आज अरे हो गया भाई, अब कहाँ प्यार व्यार में लगे हो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। एक ही चीज से प्यार करो, वो है कि अपना सीडियो से रेंडी है बस, बाकी सब मोह माया मेरे दोस्त। ठीक है, जल्दी से चलते हैं लाइव, फिर करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई? हाँ, और भी किसी कुछ बोलना है क्या? हो गया वैलेंटाइन मना लिया अच्छे से, हो गया सब। चलो जल्द से लिंक को जल्दी से करो शेयर। ठीक है, चलो आज YouTube में लाइव चला गया, अच्छी बात है, अभी तक जा नहीं रहा था। आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी गाइस, है ना, कि शायद YouTube में लाइव नहीं जा रहा होगा अभी कुछ क्लासेस से। यस और नो? क्यों गाइस, YouTube में अभी लाइव जा नहीं रहा था ना, प्रॉब्लम आ रही होगी कि कई लोग को तो यहाँ पे। ठीक है, जो आपके दोस्त मित्र है। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, माय नेम इज प्रतीक एंड वेलकम यू ऑल टू SSB क्रैक एग्जाम्स, इंडियाज नंबर वन डिफेंस प्रिपरेशन चैनल। गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही सीरियसली कर रहे होंगे। तो गाइस आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आज क्लास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक है, क्या है दोस्तों, ये हमारा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ना भाई ये बहुत आपके सवाल बनते हैं। ठीक है ना, आपको पता है हमें यहाँ पे कई सारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे आपका ट्रॉपिकल आपका फॉरेस्ट आपका हो गया, उसमें आपको कई प्रकार देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, थॉर्नी फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रूव, आपको कई सारे प्रकार आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और हमारे भारत के हिसाब से खासकर जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रकार के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्या उसमें आपका स्पेसिफिक रेनफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे कैसा आपको क्लाइमेटिकल सिचुएशन बनता है, तो इस सारे चीज क्या करेंगे दोस्तों वेजिटेशन में डिस्कस करेंगे। और आपके इसके जो रिलेटेड आपके जो टॉपिक है दैट इज आपका यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपका है। ठीक है ना, तो वाइल्ड लाइफ आपका यहाँ पे भारत में किस प्रकार के आपको यहाँ पे स्पीशीज देखने को मिलते हैं, कौन से देखने को मिलता है, कितना डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज हम यहाँ पे दोस्तों डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो आज का शेड्यूल है। ठीक है, 14 फरवरी आपको पता है आज हमारा कई आपको आज आपको दिन आपको मनाने को देखने को मिलता है। सबसे पहले आज ब्लैंक डे भी आपका यहाँ पे, ठीक है, कई यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स उन्होंने यहाँ पे कहा, ठीक है, पता होना चाहिए, कई लोग वैलेंटाइन डे भी आज मना रहे, ठीक है, अब ये मानने मानी की बात है। ठीक है, बट ये सारा आपका जो चीज चलता रहता है, आपका साल आता जाता रहेगा, बट यहाँ पे जो CDS ND है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ अपना यहाँ पे वैलेंटाइन मनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सुबह आपको 9 बजे दोस्तों आपको पता है कि आपको यहाँ पे SSB इंटरव्यू का आपको यहाँ पे लाइव क्लास आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला, और शाम को 4 बजे आपको दोस्तों एनडी और CDS की अगर मैं बात करूँ आपको स्पेसिफिकली, तो आपको यहाँ पे शाम को 4 बजे आपको यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश क्लास आपको एनडीए में, और आपको यहाँ पे मैथ्स क्लास आपको CDS में दोस्तों देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे बच गए भैया आपके 5:30, चलिए शुरू यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है कि सबसे पहले आपका नेचुरल वेजिटेशन आपका पहली बात तो आपका होता क्या है। ठीक है ना, इसका आपका पूरा करेक्ट आपका डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, ये सारे चीज हम यहाँ पे दोस्तों डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और जितने भी इसके बाद आपको जो बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, और जो भी आपका जो IUCN आपके जो लिस्टेड आपके जो एंडेंजर्ड आपके जो स्पीशीज है, ये सारी चीज दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू यहाँ पे करते, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आपका नेचुरल वेजिटेशन जो शब्द है इसका यहाँ पे मतलब क्या होता है। इसका बहुत सिंपल सिंपल सा आपका मतलब है दोस्तों कि आपका कोई भी आपका आप यहाँ पे बोल सकते हो, आपका प्लांट आपका हो गया, आपका श्रब हो गया, आपका यहाँ पे ट्री आपका हो गया, ठीक है ना, आपका कोई भी चीज आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, प्लांट से जुड़ा हुआ। ठीक है, अगर ये आपका एक पर्टिकुलर प्लेस में अगर नेचुरली आपका ग्रो हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, तब हम इसको यहाँ पे बोलते हैं कि ये आपका एक नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, वेजिटेशन आपको कई प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको, हाँ आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल आपको यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलेगा जो आपका ह्यूमन का इंटरफेरेंस के थ्रू आपका हुआ है। अंजलि यादव प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज, ठीक है, अंजलि यादव म्यूट करो अपने आप को, गुड, अच्छा बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका प्लांट्स आपके हो गए, हर्ब्स आपके हो गए, श्रब्स आपके हो गए, आपके यहाँ पे ट्रीज हो गए, ये अगर नेचुरली आपके यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो हो रहे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यहाँ पे इंसानों को कोई आपके यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं, खुद ही अपने यहाँ पे ग्रो हो रहे, तब हम यहाँ पे बोलते हैं कि आपके एक नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, और इसको यहाँ पे दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको यहाँ पे अलग नाम से भी आपके यहाँ पे बोला जाता है, इसको यहाँ पे वर्जिन वेजिटेशन भी इसको यहाँ पे दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों आपको यहाँ पे नाम आपको दोस्तों पता होना चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कई प्रकार के आपको यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है इसको आपको जरूर ध्यान से आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब अगर दोस्तों मेजरली अगर देखा जाए तो ये आपका 5 प्रकार में आपका यहाँ पे डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों आपको मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पे दोस्तों ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये भी आपका सब डिवाइडेड है, बट आपको यहाँ पे पहले मेजरली आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। पहला आपका मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, फिर आपका ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। आप दोनों के नाम से आप यहाँ पे बहुत अच्छे से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इनमें आपका डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस होगा दोस्तों, एक आपको यहाँ पे दोनों ऊपर वाला आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके क्या आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, मतलब ये आपको जो हमारे पृथ्वी में जो आपका जो ट्रॉपिकल जोन है आपका, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और आपको 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो आपको जो टॉरिड जोन आपको देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल बेल्ट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपके सारे फॉरेस्ट आपको यहाँ पे ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन सा, मॉइस्ट भी और आपका यहाँ पे जो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में आपका यहाँ पे क्लाइमेट और आपके यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का आपको यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मॉइस्ट में आपको थोड़ा अच्छा खासा रेनफॉल देखने को मिल रहा है, अच्छे घने घने आपको यहाँ पे जंगल देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ पे ड्राई में आपको थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली देखा जाए आपको यहाँ पे कम रेनफॉल देखने को मिलेगा और उतने आपको फॉरेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए और आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपको यहां पे तीसरा जो आपका पार्ट है दैट इज आपका माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो आपको टेम्परेट जोन में आपको यहां पे दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। अभी दोस्तों याद रखना, आप जितना इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते रहोगे जो आपका फॉरेस्ट का आपका जो वेजिटेशन का जो थिकनेस है वो कम होता जाएगा और आपको यहाँ पे जो वाइल्ड स्पीशीज भी आपके है ये भी आपको कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक्सट्रीम नॉर्थ में और एक्सट्रीम साउथ अगर जाओगे तो आपको वेजिटेशन में वाइल्ड लाइफ में आपको बहुत आपको यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको टेम्परेट बेल्ट में देखने को मिलता है या आपको ठंडे प्रांत आपको यहाँ पे इलाकों में देखने को मिलता है, ठीक है। आपका यहाँ पे माउंटेन आपका टेम्परेट फॉरेस्ट आपका हो गया, ठीक है। ये तो आपका सब ट्रॉपिकल था और ये आपका पूरे टेम्परेट फॉरेस्ट आपका हो गया और लास्ट आपका एल्पाइन फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपके ऊपर वाले जो ये वाले ये अगर आप नॉर्मली अगर आप देखोगे या आपको ट्रॉपिकल एरिया में अच्छा खासा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरेज अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं ये वाला जो आपका पार्ट है ये वाला आखिरी के दो ये आपका टेम्परेट आपका यहाँ पे रीजन में आपको बहुत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक एक करके हम क्या करेंगे दोस्तों इसको यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे करेंगे, बट आप यहाँ पे देखो मैप को देखो, ठीक है। मैप को अगर नहीं देखोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, बाउंस पूरा आपका यहाँ पे जाएगा। अगर मैं आपको किसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे भारत की अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको कई प्रकार के आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूं जो आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कहां पे दोस्तों, ये आपको नॉर्मली आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारत में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर की बारिश आपकी यहां पे होनी चाहिए, ठीक है। घना आपका जंगल होता है, थिक फॉरेस्ट आपका होता है, ठीक है। ये मॉइस्ट्री एरिया और आपका गर्म एरिया भी आपका होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का आपका ये क्या है दोस्तों, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। तो ये आपको भारत में कहां देखने को मिलेगा, ऑब्वियस की बात है हमने क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो क्लाइमेट चैप्टर के हिसाब से हमने क्या देखा था कि जो आपका जो मैक्सिमम आपका जो रेनफॉल होता है वो कहां पे होता है, या तो आपका वेस्टर्न घाट में होता है दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था आपको यहाँ पे क्लाइमेट क्लास में, या तो आपको दोस्तों आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा या आपको ईस्टर्न आपको यहाँ पे भारत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जहां जहां ज्यादा बारिश है वहां वहां आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ आपकी हो गई है कि आपका जो फॉरेस्ट आपका होता है इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आपका यहाँ पे क्लाइमेट आपका रेनफॉल, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपको भारत में देखने को मिलता है ये आपका ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका देखो ये आपका थोड़ा सा आपको लाइट ब्राउन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो ये आपका थोड़ा सा आपको लाइट ब्राउन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है ये भारत में सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे एरिया कवर किया है और ये आपको नॉर्मली आपको पेनिनसुला प्लेट्यू में आपको बहुत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका पूरा पेनिनसुला वाला आपका एरिया है, आप यहाँ आपको देखो, ठीक है। और ये आपका क्या है दोस्तों, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अगर देखा जाए, अगर हमें भारत की बात करूं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एरिया किसके पास आपका यहाँ पे, ये आपका पेनिनसुला है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भारत में जो सबसे ज्यादा एरिया आपको कवर है
कौन सा आपका यहाँ पे करता है, आपका आपका यहाँ पे जो रिलीफ फीचर है वो आपका पेनिनसुला प्लेट्यू आपका करता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको ट्रॉपिकल डिसेंडिस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट देखोगे तो ऑब्वियस की बात है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको एरिड रीजन में देखने को मिलेगा, राजस्थान में, गुजरात में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये येलो वाला आपका जो पार्ट है, और कुछ पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे, ये आपका जो सेंट्रल इंडिया आपका हो गया, प्लस आपके यहाँ पे साउथ में अगर आप जाओगे तो यहाँ भी थोड़ा आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई आपको फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इट इज वेरी मच डिपेंडेंट आपका यहाँ पे क्लाइमेट में, आपका फिजियोग्राफी में, कई सारे फैक्टर्स में आपके सारे आपके जो फॉरेस्ट है आपके यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा, क्या लगता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट, अभी आपको पता है G20 का समिट हुआ था डेल्टा में, इंडोनेशिया में, है ना। तो G20 समिट आपके इंडोनेशिया में अगर देखा जाए तो आपका जितने भी प्रेसिडेंट्स आपके जो बाकी आपके 19 देशों के थे, प्लस आपका यूरोपियन यूनियन आपका हो गया, तो आपका यहाँ पे इंडोनेशिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट को बड़ा आपके यहाँ पे बढ़ावा दे रहे थे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों है? बताओ, मैंग्रोव फॉरेस्ट को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है आपके इंडोनेशिया के, आपका जो समिट हुआ था G20 का, क्या लगता है? सर, फ्लोट फ्लोट को आने से रोकता है। वो तो चलो एक आपका यहाँ पे उसका मान, चलो ये मान सकते हैं, बट ये आपका दोस्तों मैं आपको बताना पसंद करूंगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को आपका यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, आपका क्या करता है, ये आपका एब्जॉर्ब करता है, आपका कार्बन रिडक्शन में आपके यहाँ पे मदद करता है आपके एटमोसफेयर में, ठीक है। इसलिए G20 समिट में दोस्तों यहाँ पे बोला गया था कि एज कम्पेयर टू आपके यहाँ पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपके होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका कार्बन रिडक्शन में ज्यादा आपकी यहाँ पे मदद करता है। तो यहाँ पे जितने भी आपके जो आपके यहाँ पे बड़े लीडर्स थे आपकी G20 में, उन्होंने आपका यहाँ पे बड़ा आपका यहाँ पे एनकरेजमेंट एक तरीके से रखा था कि आपको यहाँ पे पूरी दुनिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट को और ज्यादा यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। फ्लड को रोकता है, आपको कार्बन रिडक्शन में आपकी मदद करता है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको कहाँ नॉर्मली देखने को मिलेगा, ये आपको हमेशा आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे कोस्टल एरियाज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे यहाँ पे बढ़ते, अब यहाँ पे बात करते भारत, जो हमारे बहुत ही खूबसूरत आपको ये नेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कई प्रकार की वेराइटी में आपको यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल डिसिडियस देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्नी देखने को मिलेगा, मैंग्रोव देखने को मिलेगा, हिमालयन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ आपको क्लासिफिकेशन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब भारत की अगर हम बात करें, ये आपका 10th प्लेस आपका यहाँ पे होल्ड करके रखा है पूरी दुनिया में, किसके लिए? आपका यहाँ पे प्लांट डायवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर प्लांट डायवर्सिटी, आपके जो पौधों की डिफरेंट आपको विभिन्न आपको जो आपको प्रकार देखने को मिलते हैं, स्पीशीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमने डायवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, तो ये कई प्रकार के जो आपको डायवर्सिटी देखने को मिलते हैं पूरे प्लांट की अगर हम बात करें, तो भारत इसके रिस्पेक्ट में 10th आपका यहाँ पे रैंक में आपको पूरी दुनिया में है, और एशिया में आपको 4th रैंक में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करें, ऐसा क्यों है भारत में आपको डिफरेंट आपको इतना डाइवर्सिटी आपको क्यों आपको देखने को मिल रहा है वेजिटेशन का, क्या लगता है मेन फैक्टर क्या है यहाँ पे? एनीवन, क्या लगता है? क्लाइमेट। देखो यहाँ पे सबसे अच्छी सबसे अच्छी यहाँ पे बात है कि भारत का जो फिजियोग्राफी है ये भी आपका अनइवनली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको हर जगह आपको यूनिफॉर्म आपको फिजियोग्राफी रिलीफ फीचर भारत में नहीं देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट आपका यहाँ पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको बहुत डाइवर्सिटी आपको भारत में देखने को मिलता है। इवन अगर मैं सॉइल्स की बात करूं, कितने प्रकार के आपको मृदा आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हिंदी में इसको मृदा ही बोलते हैं ना, तो कई प्रकार के ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल आपका हो गया है, आपका लोमी हो गया, एलुवियल सॉइल आपका हो गया है। तो इसके इतना हमारा भारत इतना डाइवर्स हर चीज में, जिसके वजह से आपको डिफरेंट आपको यहाँ पे वेजिटेशन दोस्तों देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन से रीजन में आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं दोस्तों हिमालय की बात करूं, हमारा प्यारा जो हिमालय है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, आपका कंटिन्यूसली आपका यहाँ पे ग्रो हो रहा है, ठीक है। हमें पता नहीं चलता है, बट अगर देखा जाए लगभग अगर आपका एक साल में अगर देखा जाए, 1 इंच आपका लगभग आपका यहाँ पे हिमालयन के आपका जो पहाड़ है वो आपके यहाँ पे क्या करते हैं, आपके इंक्रीज हो रहे हैं हाइट में, ठीक है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो आपका नाक के बराबर है, ठीक है ना। तो जो आपके जो हिमालयन अगर हम यहाँ पे बात करें रीजन में, यहाँ पे आपको टेम्परेट आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है, या फिर आपको यहाँ पे दोस्तों सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बात करूं, क्या आपको जो ये जो आपको आपका जो टेम्परेट वेजिटेशन है, क्या ये सिर्फ आपको यहाँ पे देखा जाए, आपको हिमालयन बेल्ट में ही देखा जाता है या कहीं और भी आपको देखा जाता है? अनिवन, क्या लगता है आपको, क्या जो टेम्परेट वेजिटेशन है जो आपको हिमालय के आपको एरियाज में भारत में देखने को मिलता है, कि इसके अलावा आपको कहीं और भी देखने को मिलता है भारत में, बताओ? जी सर। टेम सर कहाँ?
नीलगिरीज नहीं, फिर याद रखना मैं इसलिए आपको क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ, शब्द लिखा है टेम्परेट, तो आपका नीलगिरी कैसे चला गया, कंफ्यूज मत होना ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, उसके ऊपर आपका फिर क्या शुरू होता है, आपका टेम्परेट रीजन शुरू होता है, तो उसके नीचे नीलगिरी में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टेम्परेट वेजिटेशन आपको हिमालयन रीजन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते कि आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको कहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको बताना पसंद करूंगा, ये आपको या तो वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, या फिर आपको अंडमान या फिर आपको निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा, प्लस आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी आपको दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है, आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि आपका यहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, कई अलग प्रकार के आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, कहां पे दोस्तों, डेल्टिक वाले रीजन में, ठीक है, डेल्टा तो आपको पता नहीं, ये हमारा है भारत, ठीक है, ये है हमारा भारत, और यहाँ पे आपको दोस्तों पता है कि कई आपकी जो नदियां है या आपका यहाँ पे क्या होती है, आपकी यहाँ पे ड्रेन आपकी होती है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको क्या होता है दोस्तों, आपका डेल्टा होता है, आपका यहाँ पे गोदावरी हो गया, आपका कृष्णा हो गया, आपका कावेरी हो गया, ये भी क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा आपका बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कई सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, खासकर आपको मैंग्रोव्स आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे कई आपको एरिड या फिर आपको सेमी एरिड आपको एरियाज में आपको यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट आपको देखने को, जिसको ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट भी आपका यहां पे बोला जाता है, ठीक है, कहां पे देखने को मिलेगा नॉर्मली, या तो आपको राजस्थान में या आपको जो रन ऑफ कच्छ वाला आपका जो इलाका है दोस्तों, आपको गुजरात का, ठीक है ना, वहां भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने एरिया के हिसाब से इसको यहां पे अच्छे से यहां पे समझा है, ये देखो ये हमारा पूरा हिमालयन का बेल्ट है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हिमालय का बेल्ट है, ठीक है। अब हिमालय के बेल्ट में आपको कौन सा देखने को मिलता है आपको यहां पे, आपको यहां पे नॉर्मली देखा जाए टेम्परेट वाला आपको यहाँ पे, खासकर यहाँ पे अल्पाइन वाला आपको बहुत फॉरेस्ट आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है, डिटेल में इसमें हिमालय वाले में भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो हमें फॉरेस्ट एरिया हमें भारत में देखने को मिलता है, ये कहाँ देखने को मिलता है, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। अगर कभी सवाल बने कि इनमें से आपका कौन सा रीजन है जहां पे आपको सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है एरिया वाइज, तो ये आपका दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। हिमालय मत करना, गंगा का प्लेन मत करना, या फिर आप कोई भी आप अदर रीजन मत करना, इसमें आपका करेक्ट आंसर आपका पेनिनसुलर भारत है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये पूरे अगर हम पूरे भारत का अगर हम टोटल एरिया अगर हम यहाँ पे ले दोस्तों, टोटल फॉरेस्ट एरिया की यहाँ पे बात करें, तो 57% आपका सिर्फ आपको जो फॉरेस्ट है आपको यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलते हैं, मतलब 100% की अगर मैं बात करूं पूरे फॉरेस्ट एरिया जो हमें भारत में देखने को मिलते हैं, उसमें आपका लगभग आधे से भी ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपको पेनिनसुलर में देखने को मिल रहा है, तो बहुत आपकी बड़ी यहाँ पे बात है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में कौन आपका यहाँ पे आता है दोस्तों, फिर आपका हिमालयन रीजन आपका आता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है आपका, आपका पेनिनसुलर इंडिया है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। दूसरे में कौन है आपका, हिमालय का रीजन है, ठीक है, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया भारत का है, कितना आपका परसेंटेज होल्ड है, 12.5% आपका है ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न और आपके जो वेस्टर्न घाट्स है, ये आपका 10% अपना यहाँ पे क्या करते हैं, अपना यहाँ पे होल्ड करते हैं आपके पूरे टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लास्ट में आपको कौन सा आता है, फिर आपका जो गंगा का प्लेन है, ठीक है, ये आपका फिर क्या करता है, आपका लास्ट रैंक में है, ये आपका सिर्फ 5% आपका यहाँ पे भारत के टोटल फॉरेस्ट एरिया का कवर अपना यहाँ पे होल्ड करता है। तो सबसे पहले कौन सा है आपका, फिर बता रहा हूं पेनिनसुला, फिर आपका हिमालयन रीजन, फिर आपका घाट्स आपके हो गए वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, फिर आपको यहां पे दोस्तों गंगा का प्लेन आपको यहां पे देखने को मिलता है फॉरेस्ट एरिया में। नेक्स्ट यहां पे बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे यहां पे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है हमारा मैप, ठीक है। चलो यहां पे इतने बाद में लोग क्यों जुड़ते जा रहे यार, इतने बाद में क्यों जुड़ रहे भाई, हां चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश का देखो साउथ ईस्ट वाला हमारा पार्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन कौन से, हमें मध्य प्रदेश में हमें यहाँ पे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे कान्हा केसरी आपको देखने को मिलता है, सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो ये सारे आपके, जैसे बात करें आपका महाराष्ट्र का ताडोबा नेशनल पार्क आपका यहाँ पे हो गया है, कितने सारे आपको यहाँ पे देखोगे, कितने सारे, ये सारे के सारे आपके नेशनल पार्क देखोगे आपका जो इंपॉर्टेंट है, आपका पेनिनसुलर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे यहां पे बढ़ते हैं। चलो अब यहां पे टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, फिर आपको यहां पे बता रहा हूं, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं,
आपका भारत में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, और अगर आपका परसेंटेज में अगर पूछा जाए दोस्तों तो वो आपका कौन सा है? हाँ क्या है? अरुणाचल। सोचो अच्छे से सोचो, जहां परसेंटेज की बात आ रही दोस्तों तो वो आपका ऐसा स्टेट है जिसका एरिया कम है, मिजोरम। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मिजोरम में अगर आप देखोगे आपका मैक्सिमम जो मिजोरम का एरिया वो आपका फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। परसेंटेज समझ रहे हो ना, देखो अगर ये आपका बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है ना, ये आपका बहुत बड़ा एरिया है और ये आपका छोटा सा एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भले आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको बड़े वाले एरिया में, मैं इसको ए बना देता हूं, और ये आपका दोस्तों ये वाला आपका बी है, ठीक है। अब ये ए वाले एरिया में आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको पेड़ पौधे आपको यहाँ पे ए में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बी की बात करूं, ठीक है, बी आपका बहुत ही छोटा आपका यहाँ पे एरिया है, ठीक है। बट इसके इस आपके छोटे से एरिया में अगर देखा जाए, भले इसमें अगर आपका थोड़े बहुत भी आपके यहाँ पे फॉरेस्ट दोस्तों अगर बी वाले में अगर आपके होंगे, बट ये इसकी 50% एरिया से भी ज्यादा अगर आपका कवर कर रहा है, तो ऑब्वियस की बात है परसेंटेज में देखा जाए तो ऑप्शन बी वाला आपका ज्यादा है और आपका ए वाला आपका यहाँ पे कम आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे परसेंटेज से, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, देखो मध्य प्रदेश में आपको ज्यादा आपको जंगल आपको पेड़ पौधे आपको यहाँ पे पूरा अच्छा खासा वेजिटेशन फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, ठीक है। बट आपका मिजोरम में आपका परसेंटेज आपको यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि आपका छोटा स्टेट है, तो थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पे फॉरेस्ट अगर आपका होगा ना तो आपका यहाँ पे परसेंटेज में आपका यहाँ पे लीड आपका यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। टोटल फॉरेस्ट कवर भारत की अगर मैं दोस्तों बात करूं 2021 का आपका यहाँ पे डेटा है 21.7%। भारत का जितना भी आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है कितना है भैया अनिवन, कितना है, कितना किलोमीटर स्क्वायर है भारत का? 3 मिलियन 3 मिलियन 3.21 मिलियन कितना किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो भारत का ज्योग्राफिकल एरिया है इसमें से आपको 21.71% आपको सिर्फ इसमें से फॉरेस्ट कवर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसमें से आपका यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश आपका ज्यादा है, ठीक है। तो आपका जो भारत का जो फॉरेस्ट है जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका क्लाइमेटिक रीजन वेजिटेशन टाइप प्रेसिपिटेशन के हिसाब से आपका यहाँ पे बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि आपका 2019 से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे क्या क्या आपको गेंस और कहाँ कहाँ आपको यहाँ पे लॉसेस आपको देखने को मिले, ठीक है ना, आपको यहाँ पे देखा जाए फॉरेस्ट कवर के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हो, किसने अपना यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर आपका यहाँ पे लूज कर दिया है, आपका यहाँ पे पुराने डेटा के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश का अगर आप देखोगे लगभग 257 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ये आपका फॉरेस्ट एरिया नहीं रहा अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपका मणिपुर ने भी अपना लॉस अपना फॉरेस्ट कवर कर दिया है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने लोगों ने आपका यहाँ पे गेन किया, तो आंध्र प्रदेश ने फॉरेस्ट एरिया में अच्छा खासा काम किया है, एरिया बढ़ गया इनका फॉरेस्ट कवर में। तेलंगाना आपका, ओडिशा हो गया, कर्नाटक और आपका झारखंड, ठीक है। मतलब देखा जाए तो आपको सदन आपका जो भारत का आपके जो स्टेट्स है ये आपका यहाँ पे देखा जाए फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको बताना पसंद कर रहा था, ठीक है। अब मैंने इसे आपको बताया कि आपको भारत में नॉर्मली देखा जाए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, पहले इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। फिर आपको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, फिर आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो आपको यहाँ पे वेस्टर्न आपको भारत में देखने को मिलेगा, राजस्थान वगैरह में देखने को मिलेगा। माउंटेन फॉरेस्ट जो आपको नॉर्मली कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, ये आपको हमारे भारत के माउंटेन वाले एरिया में देखने को मिलेगा, या तो आपको हिमालयन रीजन में या तो आपको वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में दोस्तों देखने को मिलेगा जहां पे माउंटेन्स आपके, ठीक है। और लिटोरल और आपको स्वैम्प फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा नॉर्मली आपको कोस्टल एरियाज में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सबको यहाँ पे पढ़ते हैं क्या सबका आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं नंबर वन आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन और आपका या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इसको बोला जाता है, मतलब इसका मतलब ये कोई दूसरा नाम नहीं है, ये दोनों आपके अलग अलग आपके हैं, माइन्यूट सा आपका यहाँ पे डिफरेंस है कुछ आपका क्लाइमेटिकल कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपका जो फॉरेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना पसंद करूंगा। हाँ आयुष तिवारी बिल्कुल सही यहाँ पे बोला है कि हिमालय को क्राउन ऑफ इंडिया भी आपका यहाँ पे बोला जाता है, वेरी नाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है दोस्तों, ये है हमारा, इसको मैं थोड़ा कलर कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है, हमारा वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में अगर देखा जाए जो आपका वेस्ट साइड है, ठीक है, जो आपका वेस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट वाले को थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है, जो आपका वेस्टर्न पार्ट है ये हमारा, आपको पता है हमने लीवर्ड साइड हमने यहाँ पे विंडवर्ड साइड हमने किया था, ये हमारा क्या दोस्तों आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ये क्या है दोस्तों, ये वेस्टर्न घाट का क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये वाला आपका विंडवर्ड वाला पार्ट है,
है ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये वाला आपका यहाँ पे दोस्तों लीबर्ड वाला पार्ट है, जिसको रेन शेडो जोन भी आपका बोला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपको जो फॉरेस्ट है, ये आपको वेस्टर्न घाट के आपको इस वाले साइड में आपको देखने को बहुत आपको मिलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको साइड नहीं देखने को मिलेगा, बट जो आपका जो नॉर्मली अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट में आपको बहुत आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, नंबर वन। और आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो हमने वेस्टर्न घाट की बात की, ठीक है। यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट आपका यहाँ पे, आपको अंडमान और आपको निकोबार में, यहाँ देखो ये आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है, प्लस आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये आपका वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पे हमें कौन से देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमें यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, प्लस सेमी आपको एवरग्रीन भी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब मुझे बताओ कि इन तीन रीजन में क्यों देखने को मिल रहा है हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड वन क्या लगता है आपको? सर रेनफॉल मैक्सिमम रिसीव करते हैं ना ये? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे यहाँ पे बोला है कि वेस्टर्न घाट में आपका हो गया दोस्तों, अंडमान निकोबार में, नॉर्थ ईस्ट में, ये आपका दोस्तों मैं आपको बताना पसंद करूंगा, यहाँ पे आपका मैक्सिमम आपका रेनफॉल होता है। हमने क्लाइमेट पढ़ा था, आपको पता होगा, ठीक है ना, आपका बे ऑफ बंगाल का ब्रांच आपका हो गया, आपका अरेबियन सी का ब्रांच हो गया, तो आपका ये जो आपके जो सारे मानसूनी विंड्स होते हैं यहाँ पे इस एरिया में बहुत बारिश करते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको वहीं पे देखने को मिलेगा जहां पे आपका बहुत ही आपका वार्म कंडीशन है, बड़ा ही वाला कंडीशन, चिपचिपा गर्मी जिसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं, वहां पे देखने को मिलेगा। और अगर मैं रेनफॉल के हिसाब से बोलूं, अगर किसी भी एरिया में अगर आपका एनुअल रेनफॉल अगर आपका 200 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो रहा है एनुअली, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो नंबर वन कंडीशन है। दूसरा, अगर उस एरिया में अगर आपका जो मीन एनुअल टेम्परेचर है, टेम्परेचर की बात कर रहे हो, अगर आपका 22 डिग्री से अगर ज्यादा है, तो वहां भी आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको बता रहा हूं कि भारत में आपको वेस्टर्न घाट, आपको यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है, और आपका यहाँ पे दोस्तों जो अंडमान निकोबार वाला एरिया, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप ये एक सवाल पूछ सकते हो, क्या सर आपको यहाँ पे ही देखने को मिल सकता है और कहीं नहीं देखने को मिलता है? मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको बाकी पार्ट में नहीं देखने को मिलेगा भारत में, बट जो मैक्सिमम जो घनत्व जो डेंसिटी है वो आपको इन्हीं एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या नंबर वन कंडीशन है? वार्म होना चाहिए एरिया, ह्यूमिड आपका एरिया यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अमित राजे बोले सर में लाइव कैसे, सर लाइव कैसे आई प्लीज बताइए, ठीक है। मेरे से बोलो कि मैं कैसे लाइव हूं कि तुम यहाँ पे लाइव कैसे हो, पहले एक बार थोड़ा कंफर्म कर लो, ठीक है, अच्छे से पूरा लिखा करो, ठीक है। अब यहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, वहां पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर टेम्परेचर अगर आपका 22 डिग्री से ज्यादा है, तो उस एरिया में भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये आपका ग्रीन वाला पट्टी है, देखो ये पूरा आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला आपका यहाँ पे पट्टी है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपका देखो ये वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल आपका यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अंडमान निकोबार देखो, यहाँ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आपको यहाँ पे दोस्तों कौन से प्रकार के आपको यहाँ पे पेड़ देखने को मिलते हैं, ट्रीज आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दोस्तों होता है ना, ये आपका अगर कमर्शियली देखा जाए ना, तो बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पे पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट ट्रीज है, एक आपका आपको देखने को मिलता है इबनी देखने को मिलता है, महागनी देखने को मिलता है, रबर वेरी मच इंपॉर्टेंट, केरल का आपको पता है कि रबर आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आपका वेस्टर्न घाट का आपका इलाका है, आपका रोजवुड आपका हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आप देखो, ये आपके इबनी के पेड़ आपके ऐसे होते हैं, ठीक है, या फिर मैं आपको ये वाला आपको इमेज बताता हूँ, आपको अच्छे से आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखो आपको जो रोजवुड का आपको जो लकड़ी होता है ना, कुछ इस प्रकार का आपका होता है, ठीक है, थोड़ा आपको किस दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये आपका रोजवुड के आपके यहाँ पे दोस्तों होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो महागनी का आपका वुड आपको यहाँ पे देखो कितना कमर्शियली आपका इस प्रकार से आपका यहाँ पे यूज होता है, आपका इबोनी का पेड़ आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है। ये सारे के सारे आपके यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, ये आपका यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, ये आपका दोस्तों कमर्शियली आपके कई आपके लकड़ियों का यहाँ पे आपका सामान वगैरह इससे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों पता होना चाहिए, सवाल आपका यहाँ पे बन सकता है कि आपका यहाँ पे इबनी का पेड़ हो गया, आपका महागनी का हो गया, रबर आपका हो गया, रोजवुड हो गया, ये आपका कौन से आपका फॉरेस्ट का पार्ट है? तो ये आपका दोस्तों ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का आपका यहाँ पे बात है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा, हमने एवरग्रीन की बात की, अब बात करें दोस्तों सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके क्या होते हैं, क्या लगता है क्या होगा, क्या लगता है? लेस रेनी कम बारिश होती हो। देखो मैंने आपको दोस्तों क्या बताया कि आपका जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये आपको उन्हीं एरिया में देखने को मिलेगा जहां पे एनुअली रेनफॉल कितना हो रहा है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कम करो, अगर आपका 150 से आपका यहाँ पे 200 के बीच
सेंटीमीटर में अगर आपका किसी एरिया में एनुअल रेनफॉल अगर आपका हो रहा है, ठीक है, तो उस एरिया में आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको भारत में देखने को मिलेंगे। यहां पे आपका सिर्फ प्रेसिपिटेशन का आपको यहां पे फर्क आपको देखने को मिलेगा, दैट्स इट। यहां पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर बारिश हो रही किसी एरिया में, तो वैसे आपको जंगल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, अच्छे घने वाले बड़े बड़े आपको पेड़ वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच अगर आपकी बारिश हो रही किसी एरिया में, तो आपको वहां पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा इसको शब्द से समझो, आपको आसानी यहां पे हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपका कहां पे दोस्तों कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट फॉर्म इन द लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन, जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया था, ठीक है। अमृतराज, मैंने कोर्स कल ही बाय किया है, तो मेरे दोस्त अगर आपने कल कोर्स अगर आपने बाय किया है तो आपको यहां पे लिंक तो मिल जाता है, हमारे यहां पे क्लास का लाइव सेशन का क्रैश कोर्स का आपको मिलना चाहिए। आप अच्छे से सर्च करो, आप यहां पे ऐड हो जाओ, मैं आपको यहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक है कि नहीं गाइस, आपको यहां पे लिंक मिल जाता है ना आसानी से, हाँ, yes, sir. है ना। तो अमृत राज जी, अगर आपने कोर्स अगर आपने लिया है तो आपको आसानी से आपको लिंक मिलेगा। आप थोड़ा अपने डैशबोर्ड वगैरह में सर्च करो और वहां पे आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं, बता दिया मैंने, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हमने इसकी बात की दोस्तों। अब ये आपका जो है मेरे दोस्त, आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ये आपका मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट और आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन दो के बीच का आपका मिक्सचर है ये, ठीक है। अब नॉर्मली दोस्तों देखोगे, आपका जो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट होता है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये आपका 100 सेंटीमीटर के, आपको यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर की अगर बारिश कहीं पे है दोस्तों, तो वहां पे आपको ट्रॉपिकल आपको मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। 200 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा अगर आपकी बारिश हो रही दोस्तों, तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये आपको सेमी एवरग्रीन ना, ये दोनों का क्या है दोस्तों, ये मिक्सचर है, क्या है दोस्तों, ये आपका दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। 150 सेंटीमीटर की अगर आपकी बारिश हो रही किसी एरिया में, आपको यहाँ पे सेमी एवरग्रीन देखने को मिलेगा। करीबन 100 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है तो आपको यहाँ पे मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर 200 से ज्यादा हो है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको दोस्तों देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा आपका यहां पे प्रेसिपिटेशन के वैल्यू पे पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं, ये आपके जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े ही घने, बहुत ही आपके घने आपके होते जंगल, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। कितनी ऊंचाई आपकी होती है, 60 मीटर से ज्यादा आपको यहां पे, देखो राजीव सिंह बिल्कुल यहाँ पे होता है, ठीक है, आपका टेम्परेचर में आपका वेरिएशन आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में 22 डिग्री से ज्यादा आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश है, तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या देखने को मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे नीचे नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर में आपको उतना ज्यादा वाइड आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में, क्लाइमेट में, प्रेशर में, कई चीजों आपको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनके जो पेड़ होते दोस्तों बहुत ऊंचे आपके यहां पे होते हैं, ठीक है। नहीं मिला क्या लिंक, क्या बोल रहे हो यहां पे, बोला कि यार सर नहीं मिलता है दोस्त, यहां पे इतने सारे लोग यहां पे जुड़े हुए, ठीक है, तो यहां पे इनको लिंक मिला है ना, तो ये कैसे जुड़े फिर मुझे बताओ, ठीक है। थोड़ा यहां पे सर्च करो अपने उसमें डैशबोर्ड में, जो आपको यहां पे दिख जाएगा, ठीक है, या फिर टेक्निकल टीम से बात करो, वो आपको यहां पे हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहां पे क्या है, हाँ बिल्कुल, यहां पे बिल्कुल देखो क्या है कि आपका लक्षद्वीप की बात करो, आप यहाँ पे अंडमान की बात करो, ये आपका कोस्टल एरिया है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे अच्छा खासा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मैंग्रोव्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि आपको एक एरिया में सिर्फ एक ही प्रकार का फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है, वैरायटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको थोड़ा एक कॉमन सेंस की भी आपके यहाँ पे बात आती है कि आपको थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपका जो फॉरेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा साल यहाँ पे पूरा आपका वार्म रहता है, गर्म आपका एरिया रहता है, आपको वेट रहता है, बहुत ही गीला आपका यहाँ पे एरिया आपका होता है, ह्यूमिडिटी वाला एरिया आपका होता है। पर एक चीज दोस्तों आपको बताना पसंद करूंगा कि ये आपके जो ट्रीज आपके होते हैं, ये कभी भी क्या होते हैं, पतझड़ कभी नहीं करते हैं, ये अपना शेडिंग यहां पे नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते शेडिंग बताओ, क्यों नहीं आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपकी शेडिंग करते हैं, पतझड़ हमें क्यों नहीं देखने को मिलता है इनमें, बताओ। आवाज आ रही है ना, बताओ। यस सर। हाँ क्यों आपको लगता है कि ट्रॉपिकल वेदर सेम रहता है सर? देखो आपका शेडिंग तो तब होगी ना जब आपके पेड़ में, देखो आपका पेड़ हो गया, पौधा हो गया, ये अपने से जो पत्ते होते हैं इसकी शेडिंग कब करते हैं, जब पानी की कमी होती है ना,
जब पानी की कमी होती है तब जाके जो पेड़ होता है उसको मजबूरी में क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसको यहाँ पे शेडिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। जब पानी की कमी होगी तो नॉर्मली आपके सूखे जो आपके एरिया होते हैं वहां पे आपके जो पत्ते वगैरह होते हैं वो कम क्यों आपको देखने को मिलते हैं उनमें, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे शेडिंग हो जाती है, ठीक है, सूखा रहता है, नहीं मेंटेन कर पाता दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपको ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, आपको यहाँ पे बारिश आपको देखने को मिलती है, तो इन पेड़ों में आपको पानी की कमी थोड़ी ना देखने को मिलेगी, इसलिए आपको यहाँ पे इन पेड़ों की शेडिंग नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। देखो इतने बड़े बड़े, देखो ये तो 50 मीटर की आपकी बात है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपको तो 60 मीटर के भी ऊपर आपका यहाँ पे जाता है आपकी ऊंचाई में, ये दोस्तों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कई प्रकार के आपको यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, कई आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, देखो तुम लोग बाद में चैट वगैरह करते रहो, ठीक है ना, बाद में करते रहो, पहले यहाँ पे थोड़ा समझो, ठीक है ना, तुम लोग अपनी फिर यहाँ पे बातें करने लगते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कई प्रकार के आपको वाइल्ड सिडार आपका हो गया, देखो ये मैंने आपको सारे पेड़ आपको यहाँ पे दिए हुए, ठीक है, ये खेल आपका हो गया, तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको ये केल वाले आपको यहाँ पे देखो, आपको ऐसे आपको यहाँ पे श्रब के फॉर्म में ऐसे आपको पौधे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको होलोक आपका हो गया, होलोक आपको कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपको जो व्हाइट सिडार है ये आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत में आपको बहुत आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। कौन से आपके यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलते हैं? हमारे यहाँ पे एलिफेंट, ठीक है, आपको पता है द महाराजा ऑफ इंडिया जिसको आपका बोला जाता है, और क्या बोला जाता है आपका यहाँ पे इंडिया को, क्या सॉरी आपका एलिफेंट को, और क्या बोला जाता है आपका यहाँ पे अलग नाम से भी, भारत का हेरिटेज एनिमल भी इसको यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना। आपका लेमूर, मंकीज, डियर वगैरह, वन हॉर्न, आपका राइनोसोरस आपके यहाँ पे हो गए जो आपको असम में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में खासकर काजीरंगा आपका नेशनल पार्क है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। कई प्रकार के बर्ड्स, स्लॉथ, बैट्स आपके, चमगादड़ आपके हो गए, बिच्छू वगैरह, ये कई प्रकार के आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा जो अलग से कोई स्पीशीज होगा ना उसको पढ़ो, ठीक है, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है ना, ये तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई स्पेशल चीज है जो आपका एक तरीके से एंडेंजर है, आपका वल्नरेबल आपके आईयूसीएन लिस्ट में हाल ही में आपका पाया गया है, उनको यहां पे पढ़ो, ठीक है, ये कुत्ता बिल्ली पढ़ने की कोई आपको जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहां पे बात करें दोस्तों, हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट की यहां पे बात की, अब बात करते हैं दोस्तों डिसीडियस फॉरेस्ट की, ठीक है। अभी आपका देखो, अभी आपका ट्रॉपिकल ही चल रहा है, मतलब ये है हमारा पृथ्वी, ये हमारा देखोगे ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ आपका यहाँ पे कैंसर, ये है कैप्रिकॉर्न, ये है हमारा दोस्तों इक्वेटर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब हम यहाँ पे टेम्परेट में भी आएंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी तो ट्रॉपिकल में स्टिक करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है ये आपको भारत में बहुत आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। खासकर अगर मैं बात करूं जो आपका मॉनसून, आपका जो डिसीडियस फॉरेस्ट है इसके पेड़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से आपके यहाँ पे है? एक आपका टीक है जिसको आपका एक आपका यहाँ पे साइंटिफिक नेम, ये देखो ये पूछा जाता है आपका टीक का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, क्या है दोस्तों? टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। अगर कभी सवाल आए कि भैया टेक्टोना ग्रैंडिस आपका इनमें से कौन सा स्पीशीज है, तो यह आपका टीक है, ठीक है। टीक के पेड़ भैया आपके अंग्रेज को चुरा चुरा के लेके भागे थे अपनी नेवी को अपना यहाँ पे बनाने के लिए, आपको पता होगा ना। आपका यहाँ पे साल का पेड़ हो गया, साल का पेड़ को साइंटिफिक क्या बोलते हैं? शोरिया रोबस्टा, ठीक है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी आपको जो पेड़ वगैरह आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं ये कहाँ देखने को मिलता है? जहां पे आपकी जो बारिश है ऑन एन एवरेज एनुअली देखा जाए 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो रही है, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा वेरिएशन है। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो आपका अगर कहीं पे 100 सेंटीमीटर की अगर एनुअल अगर आपको वर्षा देखने को मिल रही है तो वहां पे आपको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये 70 से 200 का इतना बड़ा वेरिएशन क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये फॉरेस्ट आपका अपने में ही आपका क्लासिफाइड है, ठीक है। आपका मॉइस्ट डिसीडियस है, आपका यहाँ पे ड्राई डिसीडियस है, इसके हिसाब से आपको आगे जाके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों देखो कि ये आपका देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हिसाब से ये आपका जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है आपका दो आपके पार्ट में बटा हुआ है, एक आपका मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट और एक आपका ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे नाम से समझ गए होंगे कि जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट होगा वहां पे कम आपके यहाँ पे रेनफॉल होता होगा, और जो आपका मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है उसमें थोड़ा आपको ज्यादा आपको रेनफॉल दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा मैंने आपको मैप बनाया हुआ है, और टीक का फॉरेस्ट कैसे होता है, देखो पतली पतली आपकी रहती है पर सख्त आपकी होती है, ठीक है ना। ये आपका जो हमारे अंग्रेज आए थे दोस्तों, मैं आपको बताना पसंद करूंगा, अंग्रेज लोग अपने नेवी के लिए बड़े जाने जाते थे आपके 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, ठीक है। सबसे बड़ा उनका कारण नेवी ही था जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में राज किया, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपका जो पृथ्वी है या आपका मैक्सिमम देखा जाए तो क्या है आपका, ये आपका ओशन से आपका पूरा घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, जो इस पे राज करेगा
वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने इसी चीज का फायदा उठा के इन्होंने यहाँ पे नेवी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्होंने किया था, और इसके लिए आपको यहाँ पे लकड़ी लगती है, आपको पता होगा। तो इन्होंने भारत से इतने पेड़ काटे, पहले अमेरिका में काटे, भर भर के काटे, तो वहां खत्म हो गया, पूरा आपको बर्बाद कर दिया। फिर यहाँ पे भारत में आ गए और इतना इन्होंने यहाँ पे पेड़ काटे कि यहाँ पे फिर इधर भी कमी हो गई थी एक वक्त में। तो इन्होंने फिर क्या किया, फिर आपका फॉरेस्ट एक्ट वगैरह आपके यहाँ पे लाए थे, आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको टी का पेड़ आपको पता होना चाहिए, साल का पेड़ आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ये सारा आपको किसका पार्ट है, ये आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का आपका यहाँ पे दोस्तों पार्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे स्पीशीज है, कौन से फॉरेस्ट के आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको बिल्कुल दिमाग में डाल दो। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, बहुत ही सिंपल सी बात है कि मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट आपको उन्हीं आपको भारत के एरिया में देखने को मिलेगा जहां पे जो एनुअल रेनफॉल है, जहां पे आपको जो एनुअल रेनफॉल है वो आपका 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच आपको दोस्तों देखने को मिलता है। और ये नॉर्मली आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूं वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जो हिमालय के आपके जो फुटहिल्स आपके हो गए वहां देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, ओडिशा में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि आपका एक एरिया में ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक आपको प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। हमने इससे पहले क्या बात की थी कि वेस्टर्न घाट में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिले थे, और अभी देखो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे डिसिडियस फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि आपका जो भारत है, आपका यहाँ पे जो क्लाइमेट, इसका जो फैक्टर है भारत का, ये बड़ा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि रिलीफ फीचर आपको डिफरेंट है भारत में। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई आपको पेड़ देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में, टीक हो गया, साल, शीशम, आमल आपका हो गया, सेमूल, कुसुम, महुआ, सैंडलवुड, इसको चंदन बोलते हैं, ठीक है ना। एक आपकी इसमें मूवी आई थी, आपको पता होना चाहिए, पुष्पा भाई कभी झुकेगा नहीं, तो वो आपका रेड सैंडल है आपका, आपको पता होना चाहिए। आपको नॉर्मली आपको जो, हाँ देखो मूवी का नाम ले लेते तो सब लोग यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे तमिलनाडु के रीजन में आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा सैंडलवुड आपका, जैसे आपको पता होगा वीरप्पन आपका बहुत बड़ा आपका यहाँ पे डकैत आपका था, आपको पता, तो वो आपका चंदन की तस्करी करता था। क्यों? क्योंकि आपको साउथ इंडिया में आपको ये सारे आपको आपको यहाँ पे ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लकड़ियां देखने को मिलती है, सैंडलवुड, महुआ, कुसुम आपका हो गया, सेमूल, शीशम, तीक, साल, अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि इक्वेटर के पास है ना, तो आपको अच्छा खासा वैरायटी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें दोस्तों आपको यहाँ पे ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, मॉइस्ट की बात की, 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश आपके यहाँ पे है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके यहाँ पे ड्राई डिसिडियस, ऑब्वियस की बात है, ये आपको उस एरिया में देखने को मिलेगा जहां पे 70 से लेके 100 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल आपको देखने को मिलता है। और ये नॉर्मली आपको कहां देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश के आपको यहाँ पे मैदानों में देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा, या फिर पेनिनसुला के आपको कुछ आपके जो रेनियर रीजन है आपको वहां पे, आपको मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है। चलो आगे यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दोस्तों कि आपका यहाँ पे ड्राई सीजन में सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, जहां एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपका जो आपके जो पत्ते होते हैं वो आपके थ्रू आउट द ईयर आपके यहाँ पे शेडिंग नहीं होती है, बट अगर मैं ड्राई सीजन की बात करूं, जब आपका जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, चाहे आप मॉइस्ट की बात करो, चाहे आप यहाँ पे ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट की बात करो, ठीक है ना, इनकी अगर मैं अगर आपको बात बताना पसंद करूंगा कि जब आपका ड्राई सीजन आता है तो ये आपके जो पेड़ होते हैं ना आपके फॉरेस्ट के, ये शेडिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक, कंप्लीटली यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पानी नहीं होता अपने अंदर कि आपका यहाँ पे इन लीव्स को संभाल पाए, ठीक है ना। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, और इसलिए आपको यहाँ पे कई आपको पूरा ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलता है, कोई आपको घनापन आपको यहाँ पे दोस्तों नहीं देखने को मिलता जब आपका यहाँ पे गर्मी का सीजन होता है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। कई प्रकार देखो आपका यहाँ पे पलाश, आमलतस आपका हो गया, बेल, खेर, तेंदू, एक्सेलवुड, देखो ये आपका सवाल एनडीए में पूछा गया था, ठीक है ना, आपसे पूछा गया था कि खेर का आपका पेड़ हो गया, तेंदू का आपका हो गया है, ये आपका कौन सा आपके यहाँ पे फॉरेस्ट से आपका जुड़ा हुआ है, तो ये आपका डिसिडियस फॉरेस्ट से आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। और मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि आपको नॉर्मली जो वेस्टर्न और आपको जो सदर्न पार्ट आपको जो राजस्थान में, यहाँ पे आपको ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट आपको दोस्तों बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल आपका यहाँ पे बहुत ही कम है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें दोस्तों आपके ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है, क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल से आपके यहाँ पे बात है कि ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट आपके दोस्तों जो होते हैं, ये आपको बहुत ही उसी एरिया में देखने को मिलेगा जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही, मतलब भैया अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, पानी को पीने को पानी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, रेगिस्तान वाले इलाका, एरिड रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको ऐसे आपको कैक्टस हो गए आपके यहाँ पे, आपको ऐसे आपको यहाँ पे जो आपके जो थॉर्नी निडल्स वाले आपके जो पेड़ आपके होते हैं, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलते हैं कहाँ पे, सेमी एरिड रीजन में, राजस्थान में, आपको हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जहां पे बहुत ही कम आपके बारिश है, आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का आपका जो, जैसे मान लो आपका
आपका ये हो गया मध्य प्रदेश का, जैसे आपका वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ठीक है ना, जो अलीराजपुर झाबुआ वाला आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, वहां पे कम आपको यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो जो आपका जो बहुत ही लेस रेनफॉल वाला एरिया है वहां पे आपको ऐसे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैप को फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपका जो ग्रीन वाला है वापस रिविजन कर लेते हैं कि ये आपका जो ग्रीन वाला डार्क ग्रीन वाला है क्या दोस्तों, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपका फॉरेस्ट है, बिल्कुल दिमाग में डालो। वेस्टर्न घाट, कुछ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न आपका ये वाला पार्ट आपका बंगाल वाला पार्ट हो गया, ये आप देखोगे दोस्तों आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसमें आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने यहां पे क्या पढ़ा दोस्तों, आपका यहां पे जो ट्रॉपिकल आपका जो डिसीडियस फॉरेस्ट है, देखो मैक्सिमम आपका ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आपको दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है, पूरा आपका पेनिनसुला पूरा आपका इसी डिसीडियस फॉरेस्ट से आपका भरा हुआ है, इसमें आपको मॉइस्ट हो गया ड्राई डिसीडियस हो गया दोनों आपको यहां पे दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखो हमारे यहां पे क्या है दोस्तों, माउंटेन फॉरेस्ट, ये हम पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट आपका जो लाइट ग्रीन सा है, ठीक है, थोड़ा फ्लोरेसेंट वाला कलर देखने को मिला होगा, ये आपको हिमालय के रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है, सिक्किम आपका जैसे हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पे कैसे काटता है, देखो ये हमारा काटता है कुछ इस प्रकार से, है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से हमारा काटता, थोड़ा और ऊपर यहां पे जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पे देखो ये है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा ट्रॉपिक वाला रीजन है, ध्यान से देखना, और ये है हमारा दोस्तों टेम्परेट वाला रीजन, अगर मैं इसको और अच्छे से बोलूं तो सब ट्रॉपिकल वाला आपका रीजन है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको देखो इस वाले एरिया में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे देखो फ्लोरेसेंट कलर में आपको यहाँ पे माउंटेनियस फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है आपका, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे हम ट्रॉपिकल एरिया से अब हम टेम्परेट रीजन में जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको नॉर्थ ईस्ट में दो प्रकार के आपको मेजरली फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एक आपका एवरग्रीन हो गया और एक आपका माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो हमने यहाँ पे बात किया था, माउंटेन फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट भी आपका यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप माउंटेनियस एरिया में हिमालय में जाते जाओगे, ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे ऐसे प्रकार के फॉरेस्ट आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है। इवन आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट में भी देखो, भारत में जहां जहां माउंटेन्स है, बड़े बड़े पीक वाले माउंटेन्स है, या आप हिमालय की बात करो या फिर आप यहाँ पे साउथ इंडिया के जितने भी आपके जो हिल्स आपके होते हैं वहां पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एल्टीट्यूड के हिसाब से आपका टेम्परेचर क्या होता है, आपका डिक्रीज, सॉरी आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। क्यों होता है डिक्रीज बताओ, मैंने बताया था एल्टीट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है, क्या बोलते हैं उसको अनिवन, क्यों होता है ऐसा? लैप्स रेट, लैप्स रेट इसको बोला जाता है दोस्तों, नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है दोस्तों, फिर बताना पसंद करूंगा। जितना आप ऊपर जाते जाओगे आपका पर किलोमीटर के हिसाब से 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, जितना ऊपर जाओगे ठंडी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपके माउंटेनियस एरिया में आपको ऐसा वेजिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये भी आपका दो प्रकार से आपका यहाँ पे डिवाइडेड है, एक आपका दोस्तों नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, एक आपका सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। आप शब्द से समझ गए होंगे कि एक आपका नॉर्थ में कौन सा देखने को मिलेगा, जो हिमालय वाला आपका बेल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कई आपको यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपको ट्रॉपिकल से लेके टुंड्रा फॉरेस्ट। देखो मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि आपका ये आपका पूरा आपका यहाँ पे देखो प्यारा सा पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये वाला आपका जो बेल्ट है दोस्तों, ये वाला पोलर वाला रीजन मैं आपको बताना पसंद करूंगा, ये वाला, ठीक है ना, ठीक है। जो आपका एक्सट्रीम नॉर्थ और जो आपका एक्सट्रीम साउथ आपका जो पृथ्वी का, दैट इज आपका नेरेटू, जो आपका जो नॉर्थ पोल के जो आपके पास वाले एरिया हो गए, ठीक है, और जो साउथ पोल के आपके पास वाले जो एरिया हो गए, यहाँ पे आपको दोस्तों पता होना चाहिए आपको यहाँ पे टुंड्रा फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, लैटिट्यूड के हिसाब से, पर कहीं पे आपको एल्टीट्यूड के हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत टुंड्रा फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, आपका भारत में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अभी जो टुंड्रा फॉरेस्ट अगर आप देखो, ये नियर टू आपके जो पोलर रीजन आपके होते, जैसे आपका मान लो आपका साइबेरिया का आपका एरिया हो गया, आपका हमारा कनाडा हमारा जैसे हो गया, यूरोप का कुछ एरिया आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, जो आपके नॉर्थ पोल से बड़े आपके घिरे हुए, आपका एंटार्क्टिका का पार्ट आपका हो गया, साउथ पोल का हो गया, तो यहाँ पे आपको टुंड्रा फॉरेस्ट वेजिटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, ये वाला पिक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको टुंड्रा वेजिटेशन का ये आपका पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा, आपने क्रिसमस का पेड़ देखा, आपने जिसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं, ठीक है, उसके आपके जो लीव्स होते हैं ना दोस्तों, ये आपके ब्रॉड लीव्स नहीं होते, जैसे आपके जो नॉर्मली आपके जो पेड़ के आपके जो लीव्स होते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार के आपके होते हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो अगर आपका यहाँ पे अगर हम टुंड्रा फॉरेस्ट की बात करें, टुंड्रा फॉरेस्ट में आपको ऐसे लीव्स नहीं देखने को मिलते, आपको चौड़े आपको लीव्स नहीं देखने को मिलते, आपको यहाँ पे नीडल्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पे लीव्स देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं,
बताओ अनिवन, क्यों इनके जो लीव्स है इतने आपके यहाँ पे निडल के फॉर्म में होते हैं बताओ? पानी की कमी है। आप यहाँ पे एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ में, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे टुंड्रा फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन है। यहाँ पे आपका अच्छा खासा रेनफॉल नहीं देखने को मिल रहा है, पानी की कमी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, फ्रीजिंग आपका टेम्परेचर है। तो भैया यहाँ पे भगवान, अगर आप इसको यहाँ पे नाम लो या फिर नेचर की यहाँ पे बात करो, इनको ऐसा यहाँ पे लीव्स इनको यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका यहाँ पे वाटर लॉस ना हो पाए, ठीक है ना? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा आपका यहाँ पे वाटर सिस्टम पे आपका पूरा निर्भर आपका यहाँ पे करता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बताना पसंद करूंगा, ये आपको जो आपको इस प्रकार का आपको जो फॉरेस्ट है दोस्तों, ये आपको नॉर्मली आपको किस हाइट में देखने को मिलता है, ठीक है ना? आपका अगर 1,000 से लेके 2,000 मीटर का अगर आपको यहाँ पे अगर आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको इस प्रकार का आपको यहाँ पे वेजिटेशन आपको दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है? तो जितना आपका हायर आपका यहाँ पे रेंजेस आपका आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात करो, आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल की अगर यहाँ पे बात करो, वेस्ट बंगाल कौन सा रीजन आपका, दार्जिलिंग वाला आपका पार्ट हो गया, ठीक है ना, जो नॉर्थ आपका बंगाल है, ठीक है, वहां पे देखने को मिलेगा। उत्तराखंड आपका, कश्मीर आपका यहाँ पे हो गया, जो हिमालयन बेल्ट है, ठीक है, वहां पे आपको दोस्तों इस प्रकार के आपको यहाँ पे पेड़ आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलते हैं, ठीक है? कई जैसे आपके ओक आपका हो गया, आपका चेस्टनट आपका हो गया, देखो ये मैंने पिक्चर आपको यहाँ पे डाल के रखी हुई है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है ना? तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ये आपका 1500 से लेके 1750 मीटर का अगर आपका हाइट है आपका दोस्तों, वहां पे आपको ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे। पाइन फॉरेस्ट आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे जोन में। तो ये कुछ आपके कमर्शियल ट्रीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे बहुत आपका यहाँ पे इस्तेमाल आपका होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे हिमालय का आपका देखो आपका देवदार आपका हो गया, ठीक है? आपका यहाँ पे देखा जाए आपके जितने भी एंडेमिक स्पीशीज है, एंडेमिक स्पीशीज आपको पता क्या होता है एनीवन? What do you mean by endemic species? Endemic species आपको यहाँ पे बताना पसंद करूंगा कि ये आपके ऐसे आपके ये species होते हैं, plants के आपके होते हैं जो सिर्फ आपको उसी एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, आपको इसके अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब बड़ा यूनिक स्पीशीज है जो आपको यहाँ पे एक आपको पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल रहा है, उसके अलावा आपको यहाँ पे दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? इसको एंडेमिक स्पीशीज आपका यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है? तो आपको हिमालय के बेल्ट में आपको ऐसे आपको बहुत आपको देखने को मिलेंगे। कई आप देखो आपके यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे आपका चिनार के आपके पत्ते आपके होते, पेड़ आपके होते, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके वॉलनट का आपको देखिए, आपके चिनार के आपके ना कुछ इस प्रकार के होते, कश्मीर में आपको बहुत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इस प्रकार का आपका माहौल आपका यहाँ पे रहता ही रहता है, ठीक है ना? जब आप लोग सीडीएस का जब आपका एग्जाम क्रैक होगा, एसएसबी वगैरह देख के आओगे, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कश्मीर वगैरह जाओ, घूम के आओ, आराम से चिल मारो, इतना मेहनत करते। देखो आपका ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हम यहाँ पे क्या करते, दिन रात मेहनत करते हैं, यूपीएससी लेवल का आपका पूरा देखो आपका एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है ना? तो मैं आपको एक चीज तो बिल्कुल यहाँ पे बोलना पसंद करूंगा, जैसे आपको एग्जाम हो जाएगा तुरंत टिकट कटाओ और कहीं घूमने चले आओ, ठीक है ना? माइंड बड़ा आपका यहाँ पे फ्रेश होता है, ठीक है? मोटिवेशन भी आपका यहाँ पे आता है, ठीक है ना? तो ये आपको ऐसा आपको माहौल देखने को मिलेगा कश्मीर में, ठीक है? आपको पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा जो आपका 2000 मीटर से ऊपर आपके यहाँ पे दोस्तों माउंटेन्स पे देखने को मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपके सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है? तो हमने नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात की, अब यहाँ पे सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की यहाँ पे बात करते हैं, कहाँ देखने को मिलेगा? भैया हमारे साउथ में भी कई सारे माउंटेन्स हैं, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में कहाँ कहाँ, जैसे आपका वेस्टर्न घाट हो गया, आपका विंध्या आपका हो गया, नीलगिरीज आपका हो गया, तो वहां पे आपको दोस्तों इस प्रकार के आपको कुछ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। देखो हिमालय की तरह नहीं देखने वाले आपको यहाँ पे, बट हाँ कुछ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नॉर्मली आपको वेस्टर्न घाट में ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों देखो कौन कौन से आपके राज्य है, आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? नीलगिरीज आपको जैसे बताया, ठीक है? तो इधर पे आपको ऐसे प्रकार के फॉरेस्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये मैप मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा पेनिनसुलर का आपका यहाँ पे बेल्ट है और ये आपका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपका यहाँ पे करता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो नीलगिरीज, अन्नामलाई और जब का पलानी हिल्स पे आपको देखने को मिलता है साउथ इंडिया में दोस्तों, यहाँ पे आपका टेम्परेट फॉरेस्ट इसको नहीं बोला जाता है, यहाँ पे इनको शोला बोला जाता है, ठीक है? तो ये आपके जो लोकल नाम होते हैं ना दोस्तों, इनके बारे में आपको यहाँ पे दोस्तों पता होना चाहिए कि जो आपके जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट दोस्तों होते हैं दोस्तों, इनको यहाँ पे साउथ इंडिया में खासकर आपका अन्नामलाई, नीलगिरी और पलानी के आपके जो पहाड़ आपके होते हैं, यहाँ पे इनको शोला का आपका यहाँ पे पेड़ बोला जाता है, वेजिटेशन इनको यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत आपको देखो
आपको कितने अच्छे प्रकार के फूल वगैरह आपको यहाँ पे पौधे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे चिंचोना देखने को मिल रहा है, लॉरेल, मंगोलिया, वैटल, ये सारे मैंने आपको देखो बना के रखे हुए, ठीक है। कुछ इस प्रकार के आपको जैसे चिंचोना देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको प्यारा सा आपको यहाँ पे देखो कितना प्यारा आपको फूल आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको वेस्टर्न घाट में दोस्तों देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरियाज के थे, जो टेम्परेट एरियाज के थे, हमने सारे फॉरेस्ट को अच्छे से यहाँ पे दोस्तों कवर किया है। अब यहाँ पे आ जाए दोस्तों, हम यहाँ पे वाइल्ड स्पीशीज की यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो भारत इतना आपको डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हर चीज में, क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, आपको हर चीज में देखने को मिलता है, तो क्या वाइल्ड लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि वाइल्ड लाइफ तो इसी पे पूरा डिपेंडेंट है, आपके वेजिटेशन पे। जैसा वेजिटेशन, जैसा क्लाइमेट, जैसा टेम्परेचर प्रेशर, वैसे आपको वाइल्ड लाइफ भी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो भारत का सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसका जो फ्लोरा है ये तो है ही आपका बहुत बढ़िया, आपका बहुत ही डाइवर्स है, फौना भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब वाइल्ड लाइफ की आपकी यहाँ पे बात हो रही है, लगभग आपका 90,000 एनिमल स्पीशीज आपको भारत में देखने को मिलता है। इसमें से आपका 2,000 स्पीशीज तो आपके यहाँ पे बर्ड्स के हैं, बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स आपके होते हैं, जो आपका पूरी अगर हम दुनिया की बात करें, पूरे टोटल जो आपको दुनिया में जो आपको बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ भारत में ही आपको यहाँ पे उसके 13% बर्ड्स आपको भारत में दोस्तों देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपका यहाँ पे फिश आपका हो गया है कई प्रकार के, आपको यहाँ पे 2000 देखा जाए, यहाँ पे लगभग 2546 आपको फिशेस आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलते हैं, विच इज एक्चुअली अराउंड 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, ठीक है। तो ये देखो आपका भारत की आपके यहाँ पे खासियत क्या दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो प्रॉब्लम क्या, मैं आपको थोड़ा पर्सनली बताना पसंद करूंगा। भारत की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, भारत का वेजिटेशन ज्योग्राफी बहुत ही अच्छा है, वाइल्ड लाइफ अच्छा है, प्लांट डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, फ्लोरा फौना बहुत अच्छा है, इतने टूरिस्ट स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम इसको ना अच्छे से ना मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। आप देखो जितने भी हमारे जो टूरिस्ट जो प्लेसेस होते थे पहले के टाइम में, 90s के टाइम में, आपको तो इतना याद नहीं होगा, तब तो आप तब पता नहीं आपके पैदा हुए भी थे कि नहीं, बट आपके 2000 अगर मान के चलो, तब आपको पता टूरिस्ट जो आपके लोकेशंस आपके होते ना उतने ज्यादा आपके यहाँ पे फ्लरिश नहीं थे, ठीक है ना। लोग आते थे वो क्या करते थे, वो पान खाते थे, वहीं पे थूकते थे, बहुत ही आप कह सकते हो ना कि टूरिस्ट अट्रैक्शन कम आपका होता था, यहाँ पे एक तरीके से भागने का जरूर मन करता था, ठीक है। बट अब धीरे धीरे आपकी जो सरकार है वो क्या कर रही है, इसमें बेहतरी कर रही है, और वो समझ रही है कि अब यहाँ पे सिर्फ भारत में ताजमहल ही नहीं है, आपको यहाँ पे कई आपको यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स, आपको यहाँ पे पूरा अच्छा खासा आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स, कई प्रकार के आपको टूरिस्ट लोकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी तो हम यहाँ क्या है ना दोस्तों, एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए थे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपका सोशल मीडिया आ गया, लोग व्लॉग्स वगैरह करते, लोग यहाँ पे क्या करते फिर जाना पसंद करते देखा देखी में, तो ये थोड़ा आपको धीरे धीरे आपका भारत बहुत आपके इसमें तरक्की आपको करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको भारत में जो मेजेस्टिक आपका जो एनिमल है आपका यहाँ पे एलिफेंट हो गया, आपको यहाँ पे दोस्तों पता है आपको केरल में, कर्नाटक में, असम में आपको देखने को मिलते हैं, आपको प्यारा सा देखो ये आपको यहाँ पे हाथी है, हाथी मेरा साथी, ये आपको भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। आपको दोस्तों वन हॉर्न आपको राइनोसोरस यहाँ पे देखो, ठीक है, ये बहुत ही आपको गुस्सेड़ आपका होता है, ठीक है ना, इसके सामने नजरें इसकी कमजोर होती है, बट अगर कोई इसके सामने आ गया तो इंसान सीधा हाईवे या तो स्काईवे आपका यहाँ पे होता है, ठीक है ना, ये दोस्तों पता होना चाहिए। ये नॉर्मली आपको स्वैम्पी या फिर आपको यहाँ पे मार्शी लैंड्स में आपको देखने को मिलता है, आपको असम में या फिर वेस्ट बंगाल में दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारा हमारा यहाँ पे जो बिस्लेरी का हमारा जो यहाँ पे एक हमारा जो जानवर है ये आपका कौन है, आपका यहाँ पे कैमल है, ठीक है। तो कैमल आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे थार डेजर्ट में देखने को मिलता है, या फिर आपको रन ऑफ कच्छ में आपको गुजरात में दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ये आपसे ऐसा वाला सवाल तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका बेसिक है सवाल, आपका बनेगा इन वाले एनिमल से, ठीक है ना, कौन कौन सा। ये आपको इंडियन बाइसन हो गया, इंडियन बाइसन कहाँ देखने को मिलता है, नीलगाय देखो, ठीक है, नीलगाय कुछ इस प्रकार की आपकी होती है, ठीक है। आप नीलगाय को लोग समझते कि भैया आपकी कोई गाय होगी वो आपको उसको नीला पेंट कर दिया तो आपका नीलगाय बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये आपको ब्लू बुल इसको कुछ इस प्रकार का आपका बोला जाता है, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन के तौर में दिखता है, आपका ब्लूइश दिखता है, बट एक्चुअली में इसका थोड़ा अलग रंग इसका होता है, ठीक है। इंडियन बाइसन देखो ये आपका इस प्रकार का आपका होता है, चौसिंगा, ठीक है, मतलब ये आपका हिरन है, ठीक है, बट इसके चार सींग आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसको फोर हॉर्न आपका एंटीलोप आपका बोला जाता है, ठीक है। आपका गेजेल आपका हो गया, ठीक है, ये भी आपका डियर का आपका एक तरीके से आपका उसी आपका यहाँ पे फैमिली का आपका आता है, कई सारे आपको यहाँ पे भारत में आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पे खास क्या है कि आपको यहां पे जो एशियाटिक लायन है ये आपको पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे गुजरात भारत में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, और भारत आपका पूरी दुनिया का इकलौता आपका ऐसा कंट्री है जहां पे आपको लायंस भी देखने को मिलते हैं और टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं, और अब तो आपको यहाँ पे चीता भी देखने को मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि कल से आपका यहाँ पे जो करंट अफेयर का क्लास है वापस आपको सुबह 8 बजे शार्प आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा,
जरूर इसको ध्यान देना, दोस्तों को सब जगह से आपका यहाँ पे जो मैसेज इसको यहाँ पे पहुंचा दो कि कल से आपका वापस से आपका जो करंट अफेयर का क्लास है वो आपका यहाँ पे दोस्तों शुरू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको चीता के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मस्त आपको यहाँ पे भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। और कौन कौन सा आपको यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स आपका हो गया, या आपको जो लद्दाख वाला आपको जो बेल्ट है वहां आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लगभग एक टन का आपका यहाँ पे होता है, याक आपका हो गया, आपका ब्लू शीप आपका हो गया, तिब्बतन वाइल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको किस प्रकार का आपका होता है, ठीक है। इसको हाँ, इसको कियांग बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि कियांग आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका क्या दोस्तों, आपका ये वाइल्ड एस है, तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए, ये सारे आपके जो एनिमल्स है ये आपको लद्दाख के बेल्ट में दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है। एपेक्स बियर स्नो लेपर्ड आपका हो गया है, आपका इवन ये जो आपका रेड पांडा, ठीक है, ये बड़ा रियर है, ठीक है। ये आपका जो रेड पांडा है, ठीक है, अब यहां पे देखो बड़ा क्यूट सा है, बड़ी अग्रेसिव भी बड़ा होता है, ठीक है ना। ये आपका एपेक्स देखोगे, ठीक है। तो ये आपका आपको हिमालय के बेल्ट में आपको रेड पांडा देखने को मिलेगा, ये भी अगर आप देखोगे आपका यहाँ पे आईओसीएन लिस्ट में आपको यहाँ पे मेंशन आपके हिमालयन पांडा, ठीक है, इसको रेड पांडा आपका बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कश्मीर स्टेग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको रॉयल स्टैग मत समझना भाई साहब, ठीक है, इसको रॉयल स्टैग मत बोल देना, यहाँ पे मूड मत बना लेना, ये आपका कश्मीर स्टैग है। ये आप देखो कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे होता है, ये आपको देखने को मिलेगा, बड़ा यूनिक आपका, ठीक है। स्पॉटेड डियर आपके हो गए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखने को मिलेगा आपको वाइल्ड शीप हो गया, तिब्बतन, ये जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज हमारे यहां पे तो स्नो लेपर्ड्स आपके हो गए, ठीक है। ये आपको हिमालयन के बेल्ट में दोस्तों आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं कि आपको यहां पे कई सारे घड़ियाल, देखो घड़ियाल का सेंचुरी कहां देखने को मिलता है बताओ, एनीवन, घड़ियाल सेंचुरी बताओ दोस्तों, याद है घड़ियाल का सेंचुरी आपको इनमें से अगर आप देखोगे आपको मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, इसको आपका यहाँ पे चंबल आपका यहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी भी आपका यहाँ पे बोल, मतलब ये चंबल नदी पे आपका यहाँ पे क्या दोस्तों, आपका घड़ियाल आपका यहाँ पे एक तरीके से आपका यहाँ पे सेंचुरी आपका पूरा बना हुआ है, स्पेशली इस आपके यहाँ पे घड़ियाल स्पीशीज को यहाँ पे बचाने के लिए, ठीक है। आपको पता है ना कि आपका जो वाइल्ड लाइफ आपकी जो सेंचुरीज आपकी बनती है, ठीक है, ये आपको किसी एक आपके स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए, आपको कंजर्वेशन के लिए आपका यहाँ पे सेंचुरी बनाया जाता है, ठीक है। तो घड़ियाल सेंचुरी आपके स्पेशली आपके इन्हीं के लिए बनाया गया, ठीक है। आपका यहाँ पे अगर मैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और यहाँ पे घड़ियाल की बात करूं, इनके चोंच का फर्क आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल तो आपने देखा ही होगा, ऑब्वियस की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा आपको यहाँ पे चोंच के हिसाब से बताऊं, तो आपका यहाँ पे जो एलिगेटर आपका होता है इसका चोंच कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे, जैसे मानो क्रोकोडाइल का कुछ इस प्रकार का आपका होता है, ठीक है ना। आपका एलिगेटर का चोंच कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये वाला बड़ा चपटा सा रहता है, थोड़ा आपका यहाँ पे कम रहता है, इसका ज्यादा आपका बड़ा नहीं रहता है एज कम्पेयर टू क्रोकोडाइल, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो घड़ियाल होता है इसका चोंच तो कुछ इस प्रकार का होता है, बड़ा पतला सा आपका यहाँ पे होता है कुछ इस प्रकार का, ये मछली आपका खाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इतना बड़ा चोंच है नहीं कि आपको यहाँ पे इंसान वगैरह खा सकता है, क्रोकोडाइल्स वगैरह खा सकते हैं आपके, तो ये कुछ डिफरेंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मली आपको यहाँ पे रिवर में, लेक्स में, कोस्टल इंडिया में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, और आपको भारत में कई आपको कलरफुल आपको बर्ड्स आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेंगे। दोस्तों याद रखना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में आपका था, जब हमारे भारत सरकार को अक्ल आई थी कि भैया हमारे जो वाइल्ड लाइफ है इनकी भी हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन करनी है। पहले तो बड़ा केयरलेस थे, ठीक है, जो भैया चल रहा है चलते रहने दो, एक्सटिंक्ट हो रहा है तो होने दो। चीता भी आपके कब एक्सटिंक्ट आपके हो गए थे, एनीवन कोई मुझे बताएगा, चीता लास्ट टाइम कब आपका यहाँ पे रखा जाता कि आपका एक्सटिंक्ट हो गए थे आपके छत्तीसगढ़ में बताओ। हाँ, क्रोकोडाइल से देखो एक ने क्या लिखा है कि क्रोकोडाइल से याद आया कि टुडे इज 37th रेजिंग डे ऑफ मार्कोस, ठीक है। मार्कोस की दोस्तों अलग ही बात होती है, ठीक है ना, मगरमच्छ से बड़ा आपका यहाँ पे संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि हमें भारत में कई आपको नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पे 103 नेशनल पार्क, आपको यहाँ पे 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको दोस्तों देखने को मिलती है, और ये पूरा आपका भारत सरकार के अंदर आपका आता है। बट अगर मैं बायोस्फीयर की अगर दोस्तों बात करूं तो ये आपका यूनेस्को आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपका यहाँ पे कंट्रोल करता है, क्यों, कौन से प्रोग्राम के थ्रू, तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो आपका यहाँ पे दोस्तों है, इसके तहत आपका यहाँ पे क्या दोस्तों, ये आपका कंट्री में क्या करता है, फ्लोरा फोना आपका यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, बायोस्फीयर के लेवल में आपका यहाँ पे मेंटेनेंस आपका यहाँ पे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें जैसे आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस आपका हुआ था रिगार्डिंग आपका प्रोटेक्शन ऑफ यहाँ पे एलिफेंट्स, ठीक है। आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, एनीवन
सर 1973 में याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में आया था और प्रोजेक्ट टाइगर आपका जस्ट इसके बाद यहाँ पे इसको सीख के फिर प्रोजेक्ट टाइगर आपका यहाँ पे 73 में आपको यहाँ पे लाया गया था। 92 में आपका दोस्तों प्रोजेक्ट आपका एलिफेंट आपका यहाँ पे दोस्तों आया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे देखा जाए ये अभी आपका 17 स्टेट्स में आपका यहाँ पे क्या दोस्तों आपका यहाँ पे एक तरीके से आपका यहाँ पे इनएक्ट आपका है इंप्लीमेंट आपका यहाँ पे हो चुका है। ठीक है कि भैया यहाँ पे एलिफेंट्स का भी यहाँ पे पॉपुलेशन हमें यहाँ पे कंजर्व करना है। ठीक है अब यहाँ पे बात करते बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है अब बायोस्फीयर रिजर्व आपके ऐसे एरिया होते हैं चाहे आप यहाँ पे टेरिस्टल एरिया की बात करो या फिर कोस्टल एरिया की यहाँ पे बात करो ये बहुत ही बड़े और एरिया आपके होते हैं। ठीक है एज कम्पेयर टू आपके जो सेंचुरीज होती है नेशनल पार्क्स होते हैं इससे कंपेरिजन बहुत ही बड़े एरिया होते हैं। ठीक है यहाँ पे फ्लोरा फोना आपका यहाँ पे मेंटेन आपका किया जाता है इको सिस्टम का बचाया आपका यहाँ पे जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है और ये आपको इसका जो रिकॉग्निशन है ये कौन आपका यहाँ पे देता है आपका यहाँ पे यूनेस्को देता है। इनका इनका अपना एक प्रोग्राम है क्या नाम है दोस्तों यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जिसको यूनेस्को मैब प्रोग्राम भी आपका बोला जाता है। और इस प्रोग्राम के तहत विभिन्न कंट्री के जो भी आपके साइट्स होते हैं उनको यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व का ठप्पा दिया जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए और ये आपका ठप्पा तभी दिया जाएगा अगर उस पर्टिकुलर बड़े से एरिया में उस बड़े इकोसिस्टम में हमें यहाँ पे बायोलॉजिकल और कल्चरल हमें यहाँ पे डायवर्सिटी अगर हमें यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलती है बड़ा यूनिक अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रामसर कन्वेंशन कैसे दोस्तों पूछ सकते हैं रामसर कन्वेंशन दोस्तों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये आपका पहले बात तो रामसर आपका ईरान का आपका ये प्लेस है। ठीक है वहीं पे आपका कन्वेंशन आपका यहाँ पे हुआ था किसके रिगार्डिंग हुआ था तो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग हुआ था। ठीक है आपको पता है कि वेटलैंड आपका जो होता है ठीक है ऐसी जमीन आपकी होती है जो आपके एक किस्म से दलदली आपकी जमीन होती है आपका यहाँ पे देखोगे बड़ा वेट आपकी जमीन होती है। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि ये आपका फ्लड में रोकने में आपके यहाँ पे मदद करता है। ठीक है प्लस आपका यहाँ पे इसका अपना खुद का एक इको सिस्टम आपका होता है इसका अलग आपका यहाँ पे फ्लोरा फोना आपका यहाँ पे होता है तो इसको बचाने के ये भी आपका यहां पे एक आपको बताऊं ईरान में आपका एक तरीके से रामसर में एक पूरा कन्वेंशन आपका हुआ था। ठीक है और यहां पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2 फरवरी 1971 में ये साइन किया गया था कई सारे आपके इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज के द्वारा कंट्रीज के द्वारा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे हम वेटलैंड को यहाँ पे बचाएंगे। ठीक है अब ये आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है दोस्तों आपके यहाँ पे 2 फरवरी को आपका हर साल आपका मनाया जाता है मतलब हमने यहाँ पे रिसेंटली मना लिया है और ये आपका दोस्तों पता होना चाहिए आपको 1971 में आपका यहाँ पे ये आपका एक तरीके से आपके यहाँ पे साइन आपका हुआ था। ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि रामसर कन्वेंशन एक आपका ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है क्या दोस्तों एक ऐसा आपका बाउंडेड आपका ट्रीटी है जहां पे इसके जो मेंबर आपकी कंट्रीज है इनको क्या करना है इनको यहाँ पे वेटलैंड्स के यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए इसकी इकोलॉजिकल कैरेक्टर को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इनको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे इनको यहाँ पे एक सिस्टम से बहुत बड़ा अपना यहाँ पे रोल यहाँ पे निभाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे इनको यहाँ पे करना है। ठीक है इस प्रकार का आपका होता है देखो ये आपको वेटलैंड्स कुछ इस प्रकार के आपके यहाँ पे दोस्तों होते हैं। ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि आपका लगभग आपको 179 आपको यहाँ पे पार्टीज आपको इसके मेंबर आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है और लगभग आपकी पूरी दुनिया में 2414 आपको यहाँ पे वेटलैंड साइट्स आपको देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड का जो पहला आपको रामसर साइट था आपको दोस्तों पता होना चाहिए ये आपको ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग पेनिनसुला में आपको दोस्तों देखने को मिलता है और इसको ये दर्जा 1974 में इसको यहाँ पे दर्जा वेटलैंड का दोस्तों दिया गया था। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत इसका कब पार्ट बना था तो भारत इसका पार्ट दोस्तों पता होना चाहिए ये आपका 1 फरवरी 1982 में आपका रामसर कन्वेंशन का आपका भारत आपका मेंबर दोस्तों बना था। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी मेजर टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि आईयूसीएन लिस्ट के हिसाब से कौन से आपके जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो आपके यहाँ पे देखा जाए आपके वल्नरेबल में है क्रिटिकल में ये मैंने आपको पूरा आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है इसको आराम से पढ़ो। ठीक है और मैं आपको एक चीज आपको यहाँ पे बताना पसंद करूंगा कि जो रिसेंट में आपका जो आईयूसीएन ने जो आपका यहाँ पे किसी को आपके स्पीशीज को लिस्टिंग की है उसको यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है पुराने वाले मत पढ़ो पुराने वाले पढ़ के यहाँ पे क्या करोगे भैया पैटर्न चेंज आपका हो रहा है और यूपीएससी को कोई आपका शौक नहीं है कि वो आपसे इतना पुराना आपका यहाँ पे पूरा इतिहास जानेगा। ठीक है ना आपकी पूरा लिस्टिंग का आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज का। ठीक है तो जो रिसेंट हुआ है
2022 का पढ़ो, 2022 में कौन कौन सा आपको देखने को मिला, ठीक है ना, वो यहाँ पे पढ़ो। जैसे हमने स्लेंडर लॉरेस के बारे में हमने पढ़ा था, आपको जो तमिलनाडु में आपको जो वल्चर्स देखने को मिलते हैं, तो ये सारे चीजें पढ़ो, आपके यहाँ पे बहुत ही आपके क्या दोस्तों, आपके यहाँ पे काम आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको भारत में कई आपको नेशनल पार्क आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं, कौन कौन सा देखने को मिलता है, जैसे देखो आपको अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, आपको किश्तवाड़ आपको देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे हेमस आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश देखो, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ पे ग्रेट हिमालय का देखने को मिलता है। उत्तराखंड में देखो तो आपको यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स आपके हो गए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका हो गया, ठीक है, ये सारे आपको हिमालयन बेल्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो यूपी में, यूपी में तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, मैंने आपको लिस्ट पूरी बना के रखी हुई है, बट आपका जो दूधवा नेशनल पार्क है ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे सरसिका आपका हो गया है, आपका यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, रणथंबर आपका हो गया है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में आपको बहुत देखने को मिलेंगे भाई साहब, आपको यहाँ पे टाइगर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, इवन चीता भी देखने को मिलेंगे, वुल्फ भी आपको सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, इवन फॉरेस्ट कवर भी ज्यादा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे वन विहार नेशनल पार्क है, आपका यहाँ पे सतपुड़ा का नेशनल पार्क है, पेंच हो गया, काना बांधवगढ़ आपका हो गया, ये आपको कुछ आपको प्रमुख आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैप को अच्छे से यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे क्या करो पूरा यहाँ पे एनालाइज करो, और यहाँ पे जो लिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बंदीपुर आपका हो गया, इसको दर्जा 1974 में दिया गया था आपका यहाँ पे नेशनल पार्क का, ये कर्नाटक में देखने को मिलता है। आपका बनरघट्टा आपका हो गया, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। बेतरा नेशनल पार्क दोस्तों झारखंड में देखने को मिलेगा। ये सारा लिस्ट अच्छे से पढ़ो, और जो भी आपके रिसेंटली आपके जो बने, जैसे आपको पता है कि यूपी में कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि उत्तर प्रदेश में आपको एक नया आपको टाइगर रिजर्व देखने, सॉरी आपको यहाँ पे नेशनल पार्क आपको दोस्तों देखने को मिला है। अनिवन तराई सर, तराई नहीं यार, चलो इसको खुद से, चलो इसको एज अ होमवर्क ले लो कि आपका यहाँ पे यूपी में रिसेंटली आपका नया आपको यहाँ पे कूनो, नहीं यार कूनो नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में, रानीपुर बिल्कुल सही, ठीक है। तो रानीपुर पता होना चाहिए, ये रिसेंटली आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी रिसेंट अपडेट हुए ना दोस्तों, इसको आराम से यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। और जो दोस्त यहाँ पे बोला ना कोनो नेशनल पार्क, कोनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्या फेमस क्या आपका यहाँ पे कोनो में आपका क्यों चीता है, प्लस यहाँ पे एशियाटिक लाइन भी आपका यहाँ पे बात आपकी चल रही, क्या आपके यहाँ पे आ गए गुजरात सरकार से हो गया बात, डील भी हो गई इनकी कि नहीं हुई है, क्योंकि कोनो नेशनल पार्क चीता से पहले एशियाटिक लाइन लाया जा रहा था, तो आपके आ गए कि नहीं आ गए मुझे भी बताओ, ठीक है। तो ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है, अपडेटेड रहो हर चीज के रिगार्डिंग, ठीक है ना। आपके जो जितने भी यूपीएससी आपका जो बोर्ड आपका जो एग्जाम कराएगा ना, ये आपका स्टैटिक नहीं पूछेगा, अगर स्टैटिक पूछेगा भी ना तो वो करंट से उसमें मिक्स कर देगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सारा लिस्ट मैंने आपको बनाया नेशनल पार्क का, आराम से इसको यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपका पर्टिकुलरली एक स्पीशीज के लिए आपका बनाया जाता है, ठीक है, जैसे आपका गिर का आपका हो गया, ठीक है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको भारत का इकलौता आपको देखने को मिलता है, ये आपको रण ऑफ कच्छ गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो आपका मरीन सेंचुरी आपका गल्फ ऑफ कच्छ में आपको हो गया, ठीक है। आपके यहाँ पे सिमलीपाल ओडिशा का हो गया, आपका हो गया कच्छ का, तो चलो बात हो गई आपकी, ठीक है ना। आपके रंपारा सेंचुरी ये आपको राजकोट में देखने को मिलता है, ठीक है। घना आपका बर्ड सेंचुरी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तो सारा लिस्ट जो इंपॉर्टेंट वाले उनको यहाँ पे पढ़ो, बट एक चीज याद रखना कि जो रिसेंट अपडेट हुआ है यूपीएससी उसी से पूछेगा, जो आपके साउथ में कुछ आपके नए बने हैं सेंचुरीज वगैरह या फिर नेशनल पार्क्स वगैरह उससे पूछेगा, नॉर्थ ईस्ट वाले से पूछ सकता है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या है दोस्तों, ये है आपका मैप आपका बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। एक मिनट, स्पेलिंग ही गलत हो गई भाई, है ना, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, मैप के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो आपका ये उत्तराखंड का क्या दोस्तों, नंदा देवी आपका बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, ठीक है। यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश के बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर में आपको कौन सा आपको देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे अचनकमर अमरकंटक का आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ पे नदन मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देखो गुजरात का आपका रण ऑफ कच्छ आपका हो गया यहाँ पे दोस्तों, पचमढ़ी भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका सेशलम आपका हिल्स के आपको यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल रहा है। ये देखो नीलगिरी का कैसे आप भूल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। भारत का सबसे पहला कौन सा आपका बायोस्फीयर रिजर्व था आपका,
नीलगिरी था, बिल्कुल सही, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ मन्नार आपका यहाँ पे हो गया, निकोबार का आपका हो गया, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क भी है और ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है दोस्तों, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करो तो सुंदरबन का आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये देखो आपका दिब्रू आपका हो गया, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम का देखो कांचनजुंगा पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपका मिक्स हेरिटेज है, ठीक है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका ये असम का आपका हो गया, और जो दिहंग दिबंग है हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में दो देखने को मिलता है, दिब्रू आपका हो गया साइकोवा वाला, और आपको यहाँ पे दिवंग, आपको यहाँ पे दिहंग भी आपको दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। सारा लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बना के रखा हुआ है, आपको यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या किया, दोस्तों हमने यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन हमने किस प्रकार से क्लासिफाइड था, ट्रॉपिकल में, हमने टेम्परेट में, यहाँ पे हमने माउंटेनस के जो फॉरेस्ट हमने वो पढ़े, थॉर्नी फॉरेस्ट पढ़े, ये हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। हमने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वो जो भी आईयूसीएन आपके जो एंडेंजर्ड आपके जो लिस्ट में आपके जो स्पीशीज है, ठीक है, मैंने उसको आपको यहां पे डिटेल में आपको यहां पे बता दिया है। अब आ जाते हैं हम यहां पे पहले हमारे सवाल में। गाइस आर यू रेडी और नॉट, बताओ हाउ इज द जो यार, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो ये नेचुरल वेजिटेशन वाला जो आपका जो चैप्टर है, ठीक है, अगर देखा जाए आपके दो दिन आपके यहाँ पे लेता ही लेता, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे एक तरीके से कैप्सूल आपको यहाँ पे दे दिया कि आपको यहाँ पे विदिन आपको यहाँ पे डेढ़ घंटे में, उससे भी कम, आपको यहाँ पे पूरा नेचुरल वेजिटेशन मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। खुद से भी आरएनडी करो अगर आपको कोई मिस अगर हो भी जाता है, ठीक है। पहला बताओ टी के साल, टी और साल आपके क्या है, ये कौन से आपके पार्ट के दोस्तों, जस्ट मैंने आपको बताया कि ये आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, मतलब ये आपका डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। अगर बात करूं ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कौन से आते हैं, एनीवन, एबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर, ये सारे आपके दोस्तों आते हैं एवरग्रीन के। बहुत बढ़िया, आगे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका बहुत ईजी है, क्या होगा इसका, देखो मानस वाला जिसमें मैंने आपको बताया, मैप से मैंने आपको यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ठीक है। मैं समझ गया, मेरी बात भी सुन लो ना यार, मेरी बात भी सुन लो, ठीक है। तो मैंने आपको मैप से दोस्तों पूरा आपको बताया, जस्ट अभी बताया कि मानस का आपका जो नेशनल पार्क है ये आपको असम में देखने को मिलता है, ठीक है, असम मेघालय के बेल्ट में देखने को मिलता है। पचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश आपका हो गया, ठीक है। पचमढ़ी का, अच्छा एक चीज आपका सवाल बन सकता है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंची आपकी जो चोटी आपकी होती है दोस्तों, ये कौन सी होती है, आपकी धूपगढ़ होती है, ठीक है, याद रखना, ये भी ना एक रिसेंटली आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, तो मैं सोचा आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है। तो धूपगढ़ आपका मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा आपका यहाँ पे क्या दोस्तों, आपका माउंटेन है, ठीक है। आपका नोखरे का आपका मेघालय का आपका हो गया। अचानक मर अमरकंटक आपका ये राजस्थान में नहीं है, ये आपको एमपी सीजी में, मतलब छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। अगर कभी ऑप्शन अगर आपका आए कि एमपी है तो टिक कर देना, छत्तीसगढ़ आए तो भी टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है दोनों को आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आपका बिल्कुल बॉर्डर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन में क्या, ये वाला, चलो कंसिडर द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको आपका साउथ से नॉर्थ में इसको अरेंज करो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूट्यूब में अगर किसी को कोई भी डाउट है आप यहाँ पे बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, चलो सी आंसर है सर इसका, चलो यहाँ पे देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सी इज द करेक्ट आंसर, क्यों, मैप से समझो, ठीक है। आपका ये जो आपका आपका जो नेशनल पार्क है पेरियार का नेशनल पार्क, ये देखो ये है पेरियार का नेशनल पार्क, ये आपका एलिफेंट्स के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका एलिफेंट्स बहुत आपके पाए जाते हैं, ठीक है, ठीके? आपको पता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको बहुत आपको मेनेस्टिक एनिमल एज अ एलिफेंट देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपको क्या देखने को मिलता है, फिर आपको यहाँ पे और कौन सा आपका ऑप्शन था, यहाँ पे एक आपका पेरियार था, फिर आपका काना, ठीक है, ये है काना नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको मध्य प्रदेश के आपको यहाँ पे मंडला जिले में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, बहुत आपको यहाँ पे टाइगर्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही सुंदर आपका जंगल है, मैं यहाँ पे गया हुआ, ठीक है, मैं बड़ा वाइल्ड लाइफ का बड़ा लवर हूँ, ठीक है ना, मैं कहीं जाऊं ना जाऊं बट जो कल्चरल फूड्स होते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ वगैरह आपकी जो सेंचुरीज होती है ना, आपकी सेंचुरी आपका ये जो नेशनल पार्क होते हैं वहां पे जरूर मैं जाता ही जाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके ऊपर कौन है आपका यहाँ पे दोस्तों, ये आपका है फिर बाद में रणथंभौर, नहीं सरसी का, सरसी का ये है सरसी का, ठीक है, ये है आपका सरसी का, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे दच्चीगम आपको जम्मू कश्मीर का आपको देखने को मिलता है। तो साउथ से लेके नॉर्थ हमने यहाँ पे पूरा यहाँ पे दोस्तों कवर कर लिया है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल बहुत इजी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। मिजोरम, फिर बता रहा हूं, अगर बोला जाए कि भैया इंडिया में लार्जेस्ट
फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, तो ये आपका एमपी है। अगर बोला जाए कि टोटल यहाँ पे, अगर बोला जाए कि आपका परसेंटेज के हिसाब से, या अगर कुछ इस प्रकार से अगर आपका सवाल पूछा जाए कि टोटल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से कितना एरिया में आपका पड़ रहा है, तो ये आपका मिजोरम है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आगे यहाँ पे बढ़ते, नेक्स्ट आपका सवाल क्या है दोस्तों बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर बता रहा हूं कि मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है कि ये आपका कल्चरल की भी आपकी यहाँ पे बात हो रही है, और प्लस आपका यहाँ पे नेचुरल आपका जो हेरिटेज है उसकी भी आपकी यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें आपका जो वाइल्ड लाइफ आपका हो गया है, पूरा आपका जो इकोसिस्टम हो गया है, ये नेचुरल के अंदर आता है, और कल्चरल आपका यहाँ पे मॉन्यूमेंट हो गया, कल्चर हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपका एरिया है जहां पे आपको मिक्सचर देखने को मिल रहा है दोनों का। ठीक है, तो ये आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे कांचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में दोस्तों देखने को मिलता है। आगे बढ़ते दोस्तों, मरी नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है, गाइस जल्दी से बताओ। बिल्कुल से, ठीक है, अब यहाँ पे बताना पसंद करूंगा कि आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है क्या, आपको मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, तो मरीन आपको जो एनवायरनमेंट आपका होता है ना, यहाँ पे आपके डिफरेंट स्पीशीज फ्लोरा फोना के आपको देखने को मिलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो इनका भी तो प्रिजर्वेशन करना है कि नहीं करना है, सॉरी कंजर्वेशन करना है कि नहीं करना है, तो ये भी आपके सारे नेशनल पार्क बनते हैं। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताओ बिल्कुल भी करेक्टली मैच नहीं है, बहुत इजी ऑप्शन सी है। बात करते चलो यहाँ पे बात करते हैं, पिन वैली। भैया मैंने आपको बताया है कि आपका जो पिन वैली है, ये देखो आपका ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का आपका मैप है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का आपका ये ज्योग्राफी है। ठीक है, अच्छे इसको समझो। ठीक है, तो आपका जो पिन वैली है ना दोस्तों, ये आपको कुल्लू वाला आपको बेल्ट दिख रहा है, ये आपको कुल्लू का बेल्ट है, ऑरेंज वाला। ठीक है, ये आपको कुल्लू का आपका बेल्ट है। ठीक है, ये आपको कुल्लू का बेल्ट है, और ये आपका लाहौल एंड स्पीति वाला है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपको कुछ आपको रेंजेस आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्लू वाला और आपका जो ऑरेंज वाला है, इधर ही आपको दोस्तों देखने को मिलता है आपका यहाँ पे पिन वैली, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में आपका नहीं है। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉरेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर चमोली। चमोली 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 आपका आता है उत्तराखंड में, आपका आता है उत्तराखंड में, याद बता रहा हूँ। और ये आपका जिम, हाँ चलो जो पता होना चाहिए, ये आपको नंदा देवी नेशनल पार्क में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये आपको यहाँ पे देखो, आपका ये देखो, ये आपको उत्तराखंड का पूरा मैप है। ठीक है, ये आपको उत्तराखंड का मैप है, ये आपका नंदा देवी है, ये आपको हिमालय के बेल्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नदर मोस्ट पार्ट में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपका यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट है, और इसी में आपका नंदा देवी आपका नेशनल पार्क दोस्तों देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे वो जिम कॉर्बेट मत करना दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल बताओ, चूज द इनकरेक्ट वन, बताओ। चलो यहाँ पे बात करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका दर्रा नेशनल पार्क, ये आपको दोस्तों राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में आपको दर्रा नेशनल पार्क आपको दोस्तों देखने को मिलता है राजस्थान का। फिर बता रहा हूँ, थॉर्नी फॉरेस्ट आपका यहाँ पे है, 50 सेंटीमीटर से कम आपके यहाँ पे बारिश आपको देखने को मिलेगी आपको वेस्टर्न राजस्थान में, वहां पे आपको थॉर्नी फॉरेस्ट है, और थोड़ा अगर ईस्टर्न साइड अगर आप यहाँ पे राजस्थान में जाओगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्राई फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, मतलब जहां पे 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की आपके यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है ना, तो राजस्थान को पूरा मत समझना कि पूरा रेगिस्तानी है, पूरा थॉर्नी फॉरेस्ट है, सूखा पड़ा है, इंसान मर रहे, ऐसा मत समझना। वेस्टर्न साइड में आपका जो एरिया है, आपका जैसलमेर हो गया, बारमर वाला हो गया, ठीक है ना, वहां पे थॉर्नी फॉरेस्ट है, और जहां अगर आप ईस्ट जाते जाओगे ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे थोड़ा तब्दीली आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलती है। चलो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका बताओ, बहुत ही इजी है, क्या होगा, अ पर्सन हैड विजिटेड अ रीजन इन इंडिया एंड फाउंड ट्रीज, कौन कौन से इसको पेड़ मिले हैं, इसको खैर मिला है, इसको नीम मिला है, इसको खेजरी और इसको पलाश का पेड़ मिला, तो ये आपका कौन से रीजन में आपका भारत का घूम रहा है। चलो यहाँ पे बात, इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका गारो हिल्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि ये वाले मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको वापस आपको जो पीडीएफ मिलेगा ना, तो जो माउंटेन फॉरेस्ट वाला जो हमने सेगमेंट पढ़ा ना, उसको ध्यान से पढ़ो। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि आपका जो खेर का आपका जो पेड़ होता है, ये आपको नॉर्मली कहाँ देखने को मिलता है, आपको नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, खेर के पेड़ आपके कुछ इस प्रकार के होते, नॉर्मल है, खेजरी के पेड़ आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, और पलाश का पेड़, देखो पलाश का पेड़ कभी याद रखना, ये आपके जो हम अभी होली आने वाली है, ठीक है, होली के दिन आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गुलाल वगैरह कलर वगैरह लगाते हैं, तो ये जो आपका
जो गुलाल का कलर होता है ना दोस्तों, ये आपका पलाश के पेड़ों से इसकी जो पत्तियां होती है ना रेड कलर की, इसको पूरा यहाँ पे प्रोसेस करके आपको गुलाल का रंग बनाया जाता है, ठीक है? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप बताओ, हाँ बताओ, ठीक है सी। चलो यहाँ पे बात इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है आपको, हाँ बिल्कुल, आपको सेवई माधोपुर आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, और ये आपको यहाँ पे कई प्रकार के टाइगर्स, लेपर्ड्स और आपको यहाँ पे मार्च क्रोकोडाइल्स भी आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्रोकोडाइल्स में, एलिगेटर्स में और आपको घड़ियाल में आपका फर्क क्या होता है। चोंच का फर्क है, साइज का फर्क है, ठीक है ना? चलो बताओ बताओ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व क्रिएटेड एट द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973, ठीक है? मतलब ये बोला जा रहा है कि जब आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था तो ये आपका पहला टाइगर रिजर्व था जिसको आपको यहाँ पे चुना गया था इसके अंदर, ठीक है? तीसरा, इनिशियली इट वॉज नेम्ड एज हेली नेशनल पार्क। तो इसका अगर आंसर देखोगे तो ये आपका है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही, और ये आपका पहला आपका टाइगर रिजर्व था दोस्तों, सॉरी, ये आपका पहला नेशनल पार्क था जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर में आपका यहाँ पे इंक्लूड किया गया था 1973 में, ठीक है? फिर बाद में आपको यहाँ पे फिर काना देखने को मिला, कई आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है? बट पहला आपका क्या था, आपका यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है? इसका पुराना नाम दोस्तों यहाँ पे हेली नेशनल पार्क भी आपका दोस्तों हुआ करता था। चलो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव। मतलब ये ऐसा रीजन है जहां पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं और मैंग्रोव्स भी देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, मतलब ये एरिया बहुत ही मॉइस्टी है, बहुत ही गर्मी है, प्लस यहाँ पे बारिश भी आपकी होती है, यहाँ पे आपको पता होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है? तो वेस्ट बंगाल आपका एक ऐसा रीजन है जहां पे आपको मैंग्रोव्स भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है? अच्छा खासा कोस्टल एरिया है, ठीक है, चुपचुपा वाला एरिया, मैंग्रोव्स है, डेल्टा वाला एरिया है, और इधर पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको यहाँ पे बारिश भी देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये दोस्तों जूट भी बनता है ना, जूट भी दरी बनता है ना, जूट भी दरी बनता है, बिल्कुल सही बनेगा। राइस भी तो है, हाँ बिल्कुल है, क्यों है? क्योंकि राइस तो आपका यहाँ पे इसलिए आपका बन रहा है क्योंकि राइस को चाहिए पानी, ऑब्वियस की बात है, ठीक है? या तो इरिगेशन से राइस कल्टीवेट कर लो, या तो फिर आपका नेचुरल फैक्टर आपका रेनफॉल हो गया, तो वेस्ट बंगाल तो आपका बिल्कुल सुटेबल है आपका राइस प्रोडक्शन में। जूट आपका, जूट की हमने यहाँ पे बात की थी पिछले क्लास में कि आपका यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए, आपका गर्मी भी होनी चाहिए और बारिश भी आपकी रिक्वायर है, जो आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, बताओ क्या होगा। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन इन क्लाइमेट अलोन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। बताओ क्या होगा सर? डी, नीदर वन नीदर टू। अच्छा ऐसा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ना ही आपका पहला स्टेटमेंट ना ही आपका दूसरा, क्योंकि पहला क्या बोल रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन, क्या होता है इसका मतलब कि ये आपके ऐसे, इसका मतलब क्या वेजिटेशन का नेचुरल, जिसको वर्जिन वेजिटेशन बोला जाता है, कि आपके नेचुरली ग्रो हो रहे हैं जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई भी जरूरत आपका है नहीं, ठीक है? नेचुरली हो रहे, कुदरत से हो रहे, ये आपका क्लाइमेट से सिर्फ आपका यहाँ पे डिपेंडेंट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपका क्लाइमेट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, आपका अदर फैक्टर्स पे भी आपका निर्भर है, ठीक है ना? सिर्फ क्लाइमेट अकेले पे नहीं है, तो आपका पहला तो गलत है। दूसरा आपका कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका सिर्फ वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप्स में देखने को मिलता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका जो वेस्टर्न घाट अगर कुछ इस प्रकार का है तो आपको वेस्टर्न साइड में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न स्लोप में नहीं देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे दोनों आपके यहाँ पे गलत है। चलो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, फ्लोरा स्पीशीज लाइक एबोनी एंड एनी आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। बताओ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। चलो यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है? बता चुका हूँ आपको, एबोनी हो गया आपका, रोजवुड हो गया आपका, जितने भी आपके जो होते स्पीशीज आपके होते सारे आपको एवरग्रीन में देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बताओ, पहला स्टेटमेंट मेरे गाइस, मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग विद द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, ठीक है? यहाँ पे मॉइस्ट डिसीडियस की बात हो रही है, ठीक है ना? मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है? और दूसरा, टीक इज वन ऑफ द मेन स्पीशीज ऑफ द मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट इन इंडिया। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो टीक है, जो साल है, ये आपका ट्रॉपिकल
मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का आपका यहाँ पे पार्ट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपका जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट दोस्तों आपका है, ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो देखने को मिलेगा, प्लस आपको हिमालय के आपको फुटहिल्स में भी दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे भूल गए हो, वापस से स्लाइड को पढ़ो, पीपीटी को यहाँ पे, सॉरी आप पीडीएफ को यहाँ पे पढ़ो, आपको वापस से याद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, बताओ क्या है, शेडिंग से आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है। Shedding leaves and appearing as vast grasslands in dry season is the feature of dry deciduous forest. चलो मैं बोलता हूँ कि हाँ भैया ये सही है, ठीक है। हमने बात की थी कि जैसे आपका जब ट्रॉपिकल deciduous forest आपका होता है, जब ये आपके ड्राई सीजन में शेडिंग करता है, तो पूरा आपका जो एरिया जो पहले घना आपका होता दिखता था, वो पूरा आपका क्लियर हो जाता है और वो बहुत बड़ा ग्रास लैंड की तरह दिखता है, ठीक है, ड्राई सीजन में, ठीक है। तेंदू ट्रीज, ठीक है, तेंदू आपका जो पेड़ है, दिस एक्चुअली दे आर एक्चुअली कॉमनली फाउंड इन द ड्राई deciduous forest, क्या आपका चलो यहाँ पे बात करते हैं, बोथ वन एंड टू, ठीक है। तो तेंदू पत्ता, जिसको तेंदू के पेड़ बोलते हैं, ये आपको ड्राई डिसिडियस में देखने को मिलता है, और जो शेडिंग का आपका जो पूरा आपका यहाँ पे प्रोसेस है, ये भी आपको डिसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, खासकर ड्राई डिसिडियस में देखने को मिलता है, ठीक है। मॉइस्चर मत करके आ जाना, चलो बताओ नेक्स्ट वाला, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर बताओ। Which of the following is rather feature of tropical evergreen forest? पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, only one I think. चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, एनुअल प्रेसिपिटेशन इज एक्चुअली मोर देन 200 सेंटीमीटर, बिल्कुल हाँ ये हमने पढ़ा है। No definite time for trees to flowering. चलो बड़ा confusing है। Absence of stratification. अब दोस्तों मैं आपको बताना पसंद करूँ, one and two. चलो अब यहां पे बात करते हैं, वन एंड टू आपका यहां पे करेक्ट है, क्यों? नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू फ्लावरिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका जो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका दोस्तों होता है, ये इतना आपका डेंसली होता है, इतना आपका यहाँ पे डाइवर्सिफाइड आपका होता है, कि इसका कोई आपका कोई फिक्स टाइम थोड़ी ना आपका होता है कि आपका यहाँ पे एक किस्म से कभी भी आपका यहाँ पे आपको फ्लावरिंग आपको देखने को मिल रही है, पर्टिकुलर ऐसा कोई रहता नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपको क्या रहता है दोस्तों, आपका रेनी रहता है, वेट रहता है, और ये आपको क्या है दोस्तों, आपका कभी भी किसी भी टाइम यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे फ्लावरिंग आपको दोस्तों देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि भैया ये वाला सीजन आ गया तो फ्लावरिंग देखने को मिल रहा है, फिर आपको वापस से आपको बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन की सबसे बड़ी आपके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी आपके फूल वगैरह होते हैं दोस्तों, ये आपके कभी भी आपके यहाँ पे क्या होते हैं, आपके यहाँ पे सीजन अपने यहाँ पे पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटिफाइड? मतलब डेंसनेस आई थिंक। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कि यहाँ पे आपका क्या था, एक मिनट, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या था पहले वो देखते हैं, कि एबसेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे जो भी इसके एवरग्रीन फॉरेस्ट के आपके जो पेड़ वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ये आपका कितना आपका यहाँ पे डेंस है, कितना घना है, और ये आपका ग्राउंड तक देखा जाए, आपका यहाँ पे पूरा पेड़ आपका यहाँ पे कवर करता है, कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ पे देखो, ये आपका जैसे पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ पूरा का पूरा देखो ना, इतना आपका घना होता है, इतना आपका बड़ा होता है कि सनलाइट भी आपका जो होता है ना, वो जमीन तक आपका नहीं आ पाता, ठीक है ना। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये पूरा आपका जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, श्रब से, क्रीपर से, कई आपके पेड़ों से आपके यहाँ पे डेंसली इसको बना देता है, ठीक है। तो ये वेल स्ट्रेटिफाइड है, कई लेयर्स में आपका पेड़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आपको ऑप्शन था वो आपका गलत था, ठीक है। तो गाइस, जो आज इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल थे हमने यहाँ पे किए हैं, आयो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे हेल्प मिल गया होगा। आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको खुद से इसको R&D करना है, रिसर्च करो अच्छे से, और जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं आपको आपको बताएं कि हमारा जो लास्ट हमारा जो क्लास होगा दोस्तों, ठीक है ना, वहां पे मैं NDA और जो CDS के जो भी इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स है, जो आपके 110% आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ पे पूरा पेश करूंगा। अच्छे से यहाँ पे करो और यहाँ पे पढ़ना अपना यहाँ पे स्टार्ट करो, ठीक है। तो गाइस, कोई भी डाउट होगा आप यहाँ पे डिस्कशन पैनल में आराम से यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं तुरंत आपको यहाँ पे जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो गाइस, मिलता हूं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।